ये ऑप्शन का ये सब चालू करने के लिए पैसे लगेंगे क्या देख ले प्रो प्रो करके लिखा तो इसको तू करवा कुछ भी करके क्योंकि मैराथन के टाइम तो मा, मा, पे रहेगा ये सब मेरे को लगेगा ना ये सब ऑप्शन हाइड नहीं है ठीक है अभी चालू कर स्टार्ट है सो इज मी और अभिषेक सर योर मास्टर टीचर ऑफ केमिस्ट्री वेलकम विद द चैनल अभिषेक सर केमिस्ट्री और आई होप आप सबके सब बढ़िया हो और राइट सो आज अपने को एम करना है ठीक है तो एम के अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा मैं आपको बता देता हूँ सिंपल सा हमारा रूल है एमसीक्यूज के अंदर पार्टिसिपेट करने का और राइट right? <laughs> फंडिंग भी नहीं है क्या सर सात करोड़ की तो फंडिंग भी नहीं है वैष्ण देवी जी सही कहा अभी तो थोड़ी सी फंडिंग चाहिए थी फंडिंग इसके लिए चाहिए थी ये जो नोट का है ना यार फंक्शंस बेटा ये चल नहीं रहा है ये जो है ना ये सब प्रो प्रो में आ रहे हैं समझे तो ये थोड़ा सा इशू हो रहा है इसमें कुछ करते हैं इस हम लोग ठीक है बाद में कुछ चेकआउट करते हैं इसको क्रैक करने का कोशिश किया क्रैक भी नहीं हो रहा है ठीक है <laughs> right, चलो छोड़ो कोई नहीं अब क्या करते हैं अरे चल जा भाई ठीक है चलो आगे चलते हैं right, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को शुरुआत करते हैं ठीक है सबके सब, सब रेडी हो ठीक है अब तो धमाका मचा रहे हो हर दिन जी हाँ आपने सही सुना ठीक है और सही देखा तो चलिए स्टार्ट करते हैं इंग्लिश का पढ़ के सुबह से बोर हो गए रहोगे ठीक है so, सो राइटिंग स्किल की थोड़ी सी प्रैक्टिस करते हुए और राइट आगे चलिएगा चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर चैनल पे पहली बार आए हैं ठीक है इस लाइव सेशन में हमारे साथ कौन कौन है एक बार हम लोग यहीं पे देख लेते हैं उन बच्चों का नाम अनाउंस कर देते हैं सबके सब आ जाइए चैनल को सब्सक्राइब ये लाइक का बटन है यहां पर देखिए इसे ऐसे दबा दीजिएगा दबाओगे ना ये ए, देखो ऐसे दबाओगे तो जगमगा उठता है तो इस तरीके से दबा दीजिएगा लाइक के बटन को अब देखिए सोहम जी आपके वर्ड हम देख करके बहुत ही खुश हो गए ठीक है बहुत ही अच्छा लग रहा है आप किस तरीके से बातें कर रहे हैं और लाइट इंग्लिश के लेक्चर कब से स्टार्ट होने वाले हैं और लाइट टेंशन हो रहा है अच्छा अरे अरे कोई बात नहीं ठीक है चलो मिंटी क्यूज नहीं है अपने पास सस्ता है ठीक है सस्ता और जुगाड़ी चीज लेके आया हो श्रेयस सस्ता और जुगाड़ू चीज जुगाड़ी चीज लेके आया हो पोल तुझे बेटा कहीं कमेंट में मिलेगा लेगा क्वेश्चन का और तुझे पोल पे ऊपर क्लिक करना है बस ठीक है मिंटी क्विज वाला सिस्टम नहीं है इस तरीके से हमें करना है मिंटी क्विज के लिए बेटा पैसे ज्यादा लगेंगे इससे अच्छा हम यहाँ पर ये यह लोगों ने, ने फीचर दिया तो उसका इस्तेमाल कर लेते हैं हम ठीक है चलिए तो आई होप आपको सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है राइट right? तो आज कौन कौन है हमारे साथ देख लेते हैं एक बार भूमि है अमन है हर्ष है और राइट आज का ये सेशन करने के बाद और राइट आपके एमसीक्यूज के क्वेश्चन अच्छी तरीके से बनने चालू हो जाएंगे इस बात को आप याद रखो ठीक है सो so, स्टार्ट करते ठीक है ऑलराइट चलो सर कितना टाइम लगेगा मैंने नेम रिएक्शन का वीडियो देख रही थी uh, खुशी अग्रवाल जी एक घंटा लगेगा शायद से ठीक है चले स्टार्ट करें ठीक hmm. है चलो सर आप इंग्लिश पढ़ाओगे ना नहीं यार इंग्लिश नहीं हो पाएगा लग रहा है सर इसी चैनल पे सीटी का क्लासेस होना रहा यस या, सर यस यस सीटी के लिए हम सोच रहे हैं कि कुछ आपके लिए लॉन्च करेंगे ऑलराइट right. uh, बट थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा हमें शायद से पेड़ लॉन्च करना पड़ सकता है ठीक है जी हाँ आपने सही सुना पेड लॉन्च करना पड़ेगा क्योंकि सीटी के जो क्वेश्चन होंगे वो सब टाइप वाइप करवाना पड़ेगा तो मैं ही कितना काम करूंगा उसमें ऐसा हो जाएगा फिर ठीक है देखते हैं उसके बारे में क्या है डिस्कस करेंगे हम लोग ठीक है और राइट क्योंकि मेरा ये मानना है ना वेन यू पे देन यू पे अटेंशन ये भी मैंने नोटिस किया ठीक है और ऑफलाइन में आप जाते रहोगे तो आप वहाँ पर हजारों में फीस भरते रहोगे बट उससे अच्छी क्वालिटी तो हम यहाँ पर दे सकते हैं ये तो हमारी गारंटी है ठीक है चलो आगे चलते हैं ठीक है ठीक है इंग्लिश में सॉल्व कर लो ठीक है चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को स्टार्ट करें अच्छा कितने बच्चे आ चुके हैं 364 बच्चे आ चुके हैं तीन मिनट से स्टार्ट हो चुका है चलिए स्टार्ट करते फिर सबसे पहला क्वेश्चन क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा पहले का पोल डालिए ठीक है मॉलिकुलर सॉलिड्स आर मॉलिकुलर सॉलिड्स आर हम लोग पूरे के पूरे सॉल्व करते हुए चलेंगे मॉलिकुलर सॉलिड्स आर पहला ऑप्शन है क्रिस्टलाइन सॉलिड दूसरा है मोरफा सॉलिड्स तीसरा है आयोनिक चौथा है मेटालिक सॉलिड्स जल्दी जल्दी बताइए इसका आंसर क्या आएगा पोल पे मार्क करिएगा ठीक है और पोल का क्या आंसर आएगा मुझे बता देना ठीक है चलिए जल्दी जल्दी पोल पे मार्क करिए आप लोग क्या लग रहा है आपको क्या आएगा इसका आंसर ठीक है अरे प्रैक्टिस हो जा रही है आप देखिए सीटी के देखो यही सारे क्वेश्चंस देखो कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस है सारे एमसी करवा रहा हूँ ठीक है बोर्ड्स के लेवल के ठीक है चलो संजना जी का रॉन्ग आंसर है ठीक है क्या आया पोल में पोल का आंसर क्या है क्या लग रहा है बच्चों आपको क्या आएगा इसका आंसर आप ही को पोल करना है ए सेवेंटी वन परसेंट वो वाओ रॉन्ग आंसर अरे यार पहला ही क्वेश्चन रॉन्ग कर दिए रे तुम लोग शर्म आ रहा है क्या मोलिकुलर सॉलिड्स आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स मोलिकुलर सॉलिड्स कैसे, कैसे, कैसे होते हैं कैसे होते हैं एमॉर्फस होते हैं कैसे होते हैं मोलिकुलर सॉलिड्स मोलिकुलर सॉलिड्स आर एमोरफस सॉलिड्स पहला ही रॉन्ग कर दिया या यार यार पूरा मूड ही खराब कर दिया तुम लोगों ने मालूम है पूरा का पूरा बोलते ना तो सारा मूड खराब कर दिया ठीक है अभी तुमको दिखाना ही पड़ेगा लगता है तुम ना सब पूछा पाठ मार्ग का सपाट हो रहा है तुम्हारा यार ठीक है ऐसे पढ़ के गलती करके पहले ही क्वेश्चन में इतना गलती कर दिया रुको दिखाना पड़ेगा अभी तुमको ठीक है कहाँ गई इसकी केमिस्ट्री की तुम लोग यार बच्चों ऐसे करोगे ना कैसे चलेगा यार ठीक है देखो यही है तुम अटेंशन अटेंशन देते नहीं हो इतना मतलब ठीक है ये देखो इधर आओ इधर आओ टेक्स्ट बुक थोड़ा खोल लिया करो पहले क्वेश्चन को रॉन्ग कर रहे हो ठीक है पहले क्वेश्चन में ऐसा हाल है तुम्हारा पहला एक नंबर तुम्हारा कट गया भाई सेवेंटी वन परसेंट वो भी सोचो थोड़े बोड़े भी नहीं सेवेंटी वन परसेंट बाप रे बाप ठीक है इधर आओ थोड़ा सा और ऊपर आओ तुमको पहले चैप्टर में दे चलना पड़ रहा है इधर आओ देखो दिखाता हूँ तुमको भी देखो आ जाओ भाई स्टेट पहला चैप्टर इधर देखो आगे आगे चलो ठीक है ये देखो Classification of crystalline solids, ठीक है आयनिक सॉलिड्स फिर उसके बाद कोवलन नेटवर्क सॉलिड्स फिर उसके बाद अपना आता है मॉलिकुलर सॉलिड्स ठीक है क्रिस्टर्न ऑर्गेनिकोल मॉलिकुलर सॉलिड्स हाँ यार राइट right आंसर था सॉरी मैंने गलती कर दी ठीक है क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ठीक है सब्सटेंस एस टू ऑन सॉलिडिकेशन गिव मॉलिकुलर क्रिस्टर्स क्रिस्टर्न ऑर्गेनिक कंपाउंड आर ऑल्सो मॉलिकुलर सॉलिड ठीक है ये आपका सही है ठीक है ना एक बार वापस से इंटरचे कर लेते इसको लेतेडे ठीक है ठीक ठीक है 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 ना सॉलिड बट यहाँ पर इन लोगों ने आंसर क्या दे रखा है एक बार आंसर तो देखे एक बार आंसर इन लोगों ने क्रिस्ट वॉलिकुलर सॉलिड आर ठीक है आंसर क्या दे रखा है वो देखते हैं हम लोग इन्होंने आंसर दे रखा है एमॉर्क सॉलिड बी आंसर दे रखा है इसके लिए तुम लोग को थोड़ा सा मूड ऑफ हो गया रहेगा ठीक है और मैंने भी अभी देखा ध्यान से तो क्रिस्टल तो right. हो रहा था, साथ। Next, आपको चेक किया रहा था कि आपने कितने अच्छे से पढ़ रखा है राइट चलिए सेकंड क्वेश्चन पे आइए फटाफट से कंप्यूटर माच है सेकंड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा कंप्यूटर माच ने सेकंड क्वेश्चन मार दिया आपके स्क्रीन के ऊपर देखिए ध्यान से देखेंगे सबके साथ यहाँ पर देखो द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स इन बीसीसी क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर है पूछ है कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है ठीक है जयेश जल्दी जल्दी बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर है है बेटा कोऑर्डिनेशन नंबर ठीक है अरे आंसर सब दिख गया अपनी निगाहें तभी भी यहां लगाओ ना कोऑर्डिनेशन नंबर है जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा क्या मार्ग कर रहे जल्दी कम ऑन पोल्ड ज्यादा तक मत रहे क्लिक करके हटा दिया करो ठीक है चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा फटाफट से और पार्टिसिपेट करिएगा डी आठ नंबर मार्क कर रहे ठीक है तो चलिए एक बार देख लेते हैं कि बच्चे सही बता रहे हैं कि गलत बता रहे हैं so, तो बच्चों का जो आंसर right है 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 वो राइट एक्चुअली ठीक कैसे दिखाता हूं आपको? देखो यहाँ पर आप जैसे जाओगे ना मैंने आपको बताया कि इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा गया है पहले भी पूछा गया था एक दो बार ठीक है तो आप इसके ऊपर अच्छे से करके जाओगे कौन सा वाला चार्ट मैंने आपको दिखा ना ये देखो कौन सा वाला इधर देखो ये चार्ट है इधर देख लो बेटा बच्चों इधर देखो देखो क्या बोल रहा है एस में छह है बीसीसी में आठ है और एफसीसी में बारह है तो ये चार्ट मैं आपको पहले भी बताते रहा हूं कि इसको आप अच्छे से करके जाएंगे पैकिंग इफिशियंसी का भी ये याद करके जाएंगे वॉइड कैसे निकालोगे हंड्रेड में से माइनस ठीक है तो ए टाइप के एमसीक्यूज आप कर लोगे गाइट चलिए थर्ड पे आइए थर्ड पे लेकर आइए ठीक है थर्ड क्वेश्चन आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा इफ आर इज द रेडियस ऑफ एन एटम एंड ए इज द एजेंथ ऑफ एफ सी यूनिट सर देन आर और ए का रिलेशन बताना है आपको क्या ऑप्शन लग रहा है बताइए ए बी सी डी क्या ऑप्शन लग रहा है क्वेश्चन नंबर थ्री हाँ मैंने आपका मैसेज देखा आपने हॉल टिकट लेमिनेशन करवा लिया ना तो अभी कॉलेज में जाकर के एप्लीकेशन लिखिए उनको बोलिए नया हॉल टिकट देने के लिए मैंने आपको टेलीग्राम पे मैसेज का रिप्लाई भी दिया था आपके ठीक है फिर भी आप यही चीज वापस से पूछ रही है यहाँ पर ठीक है टेलीग्राम चेक करिए मेरा रिप्लाई आया आपको ठीक है चलिए आगे की तरफ चलते क्या बात कर रहे हो बच्चों क्या हाँ बहुत सही बहुत सही बहुत सही भूमि हाँ बी वेरी गुड बेटा ठीक है सो अब इस क्वेश्चन को भी देख लेते हैं एक बार ठीक है सारे क्वेश्चन को देखते हुए चलेंगे आखिरी बार पढ़ रहे हैं ना हम लोग ना सेकंड लास्ट टाइम पढ़ रहे ठीक है तो उस तरीके से इसको देखते हुए चलेंगे देखो ये यहाँ पर समझे कि नहीं समझे सब सिंपल right? सिंपल है आपके लिए कुछ नया नहीं है right? चलिए ना नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए ठीक है आ जाइए फटाफट से अ सिंगल सब्सटेंस दैट एग्जिस्ट इन अ टू और मोर फॉर्म्स इज कॉल्ड जल्दी एक सिंगल सब्सटेंस से आपके ऐसा दो या दो से ज्यादा फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं कमॉन आंसर दीजिए फटाफट से लैग हो रहा था क्या थोड़ा बहुत कोई बात नहीं हो जाएगा ठीक ठीक है इंग्लिश का आज से स्टार्ट कर दो बेटा ठीक है चलो क्या है गया इसका आंसर क्या बच्चों क्या मार्क कर रहे होते मार्क कर रहे 78%. एट परसेंट वेरी गुड वेरी गुड कॉली मार्क करेक्ट आंसर राइट ये तो डेफिनेशन का क्वेश्चन है राइट चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए थोड़ा सा कंप्यूटर मार्च स्पीड बढ़ाइए ग्रेफाइड इज अ ग्रेफाइड इज अ वॉट ग्रेफाइड क्या है कौन सा क्रिस्टल है किसका एग्जांपल है ग्रेफाइड और right, जल्दी जल्दी बताइए अरे बच्चों अब पढ़ने का टाइम हो चुका है अब पढ़ने का टाइम गया टाटा बाय बाय अभी सॉल्व करने का ठीक है बच्चों तभी होगा डरने का नहीं सॉल्व करने का पढ़ने बैठोगे ना एक साल का और टाइम भी दे दूंगा ना तो भी उतना ही पढ़ के होगा जितना आज हुआ है समझे तो अब सॉल्व करने की बारी आ गई है थोड़ा थोड़ा देखो आपको क्या आ रहा है ग्रेफाइड किसका एग्जाम्पल है जल्दी कंप्यूटर मार्च क्या मार्क कर रहे हैं वेरी गुड कोवल एंड क्रिस्टल ग्रेफाइड किसका एग्जाम्पल है कोवल एंड का अरे हा या अच्छा मेरे को कोई कमेंट में बता सकता है कोवलेंट क्रिस्टल का एक और एग्जाम्पल कोई बता सकता है कोवलेंट क्रिस्टल का कोई एक और एग्जाम्पल क्या मुझे बता सकता है जल्दी जल्दी बताइए आप मेरे स्टूडेंट्स हो राइट right? तो आपको बहुत सारी चीजें आनी चाहिए एक के साथ साथ ठीक है तो चलो आप लोगों को क्या पता चल रहा है कि ये लोग ना एग्जांपल्स के ऊपर क्वेश्चंस पूछ रहे गेटिंग माय पॉइंट तो हम लोग एक काम करते हैं देख लेते हैं कौन कौन सा देखो देख लो यहाँ पर देखो किसका किसका क्या क्या एग्जाम्पल देखो आयनिक का क्या क्या एग्जाम्पल है यहां पर देखो एन और NaCl आयंस राइट डायमंड और सिलिका किसका है डायमंड right? और सिलिका अपना देखो कोवालैंड का राइट और यहां पर देखो ग्रेफाइट भी दिखा हुआ दिख रहा है ग्रेफाइट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एक्सेप्शन में से क्वेश्चन उठाया गया था राइट right? ये देखिए यहां पर राइट कोवलैंड right? का एक्साम्पल है और ग्रेफाइट के अलावा लोग डायमंड भी दे सकते हैं सो डायमंड इज एन एग्जाम्पल ऑफ वॉट तो आप लोग को कोवलैंड लिखना है राइट right? हम क्या करेंगे पता है एक क्वेश्चन के थ्रू बहुत सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने की कोशिश भी करेंगे आइस और बेजोइक एसिड किसके एग्जांपल्स है ये मॉलिकुलर के राइट right? मेटल्स में क्या क्या आते हैं मेटल्स में सारे सोडियम मैग्नीशियम कॉपर एय का सिंबल सिंबल ये symbol AU है तो इसका मतलब क्या होता है बता दीजिएगा मेरे को कमेंट में ठीक है तो चलिए आगे की तरफ चलते बेटा आगे क्वेश्चन की तरफ चलो नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन पे ये आ जाओ क्वेश्चन नंबर सिक्स ये क्वेश्चन बहुत कम बच्चे कर सकते हैं ठीक है ये ना जिसको न्यूमेरिकल आता है वो कर सकता है पहले क्वेश्चन को समझो ये कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर सिक्स का पोल डालिएगा देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन में पहले उसको समझ लो ठीक है

छह फेसेस होते हैं हो, फेसेस पे भी एक एक, एक होता है you know that, right? you know, कैसे याँ याँ पर एक, दो तीन चार पांच छह इस तरीके से होता है right? so, अपना जो ए है वो फेसेस पे तो फेसेस कितने हो अपने तो 6 right? तो कितने अपने अपन इसको कैसे करेंगे करके कितना निकल के आ जाएगा थ्री मतलब मेरा ए तो थ्री आ गया और बी आय कहा मतलब एक ही ठीक है राइट right? मैं रॉन्ग हूँ की राइट टू बता दो मैं राइट टू की रॉन्ग हू बता दो मुझे मैं भी गलत हो सकता हूँ पहले से सोया नहीं हूं कितना फिफ्टी नाइन परसेंट बी ना चलो बाकी बच्चे क्यों गलत कर रहे हैं मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है क्यों गलत कर रहे हो बेटा अभी क्यों गलत कर रहे हो अभी तो अभी तो मौका आ गया ना अभी तो कुछ करके दिखाना है आप गलत मत करिए क्वेश्चन को समझिए तुक्का मत मारिए तुक्का मत मारिए बात को समझ लीजिए रातों रात नींद नहीं आ रही है आंखों के नीचे डार्क सर्कल्स बढ़ते जा रहे हैं टेंशन हो रहा है आपके लिए तो आप तुक्का मत मारिए

ठीक है ऑल राइट ऑल राइट लैग इतना नहीं होगा ठीक है थोड़ा सा देखो एडजस्ट कर लो यार थोड़ा बहुत ठीक है ऊपर नीचे हो जाएगा थोड़ा ठीक है हाँ कितना कितना परसेंट बच्चों लोग ने मार्क किया फिफ्टी नाइन अरे बच्चों अब तुम लोग ये भी रॉन्ग करोगे कर तो कैसे चलेगा बताओ हम्म देखो कैसे दिस इज वेरी वेरी सिंपल देखो ए और आर के बीच में रिलेशनशिप पूछ रहा है कि में कि तो सिंपल है, है? यह इसका, इसका सेंटर ये यह. ये यह यह यहां से आ तक का रेडियस ये यह यह यहां से यहाँ तक का क्या रेडियस और ये पूरा क्या होता है ये पूरा ए होता है गेटिंग माई पॉइंट सो दिस होल इज माई ए सो बेसिकली

क्या पूछा है इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज मतलब इलेक्ट्रिक अच्छा फ्रेंकल इफेक्ट सुनते ही दिमाग में क्या आता है क्या आता है इफेक्ट सुनते ही पहले मेरे को बताओ खोला कॉन्सेप्ट को याद याद करो तुमको सब आता है देखो कैसे बेटा आ, फ्रेंकल में कैसा होता था नेगेटिव चार्ज बड़ा बड़ा होता था राइट उसमें क्या होगा एक देखो जैसे अगर समझ लो नेगेटिव चार्जेस है राइट सो तो उसमें क्या होता था पॉजिटिव चार्ज घुस जाता था राइट इंटरस्टिशियल स्पेसेस में याद करो ना इंटरस्टिशियल स्पेसेस में घुस जाता था राइट तो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में अपना पॉजिटिव चार्ज तो आ गया वो है किधर क्रिस्टल के स्ट्रक्चर में ही है तो डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस चेंज होगा क्या नहीं नहीं डेंसिटी ऑफ द सब्सटेंस इज चेंज नहीं होता डेंसिटी चेंज बोथ द एंड एनायन आर मिसिंग नहीं यार ये तो स्कॉटकी में होता है ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं आपको राइट ये स्कॉटकी में होता है ओवरऑल इलेक्ट्रिकल इज मेरे को ए या या सी ए डी में से कोई लग रहा है आप बताइए आपको क्या लग रहा है डी फोर्टी सिक्स परसेंट बच्चों ने मार्क किया सर ऐसे ही मैथ्स और फिजिक्स के भी एमसीक्यू करवा दो ना ठीक है तो मैथ्स के लिए हमारे एक चहेते सर है अभिषेक सर मैथ्स उनका भी नाम अभिषेक सर है वो प्रोफेसर भैया के चैनल पे मैथ्स करवा रहे हैं ठीक है थीके? तो आप वहां पर जाकर के देखिएगा ठीक है और उनको मैं बोलता हूँ कि ये कंडक्ट करवाने के लिए इसी तरीके से ठीक है मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट करता हूं, और रिक्वेस्ट करता ठीक है वो कर देंगे कुछ ना कुछ कितना बात किया कंप्यूटर जी फिफ्टी नाइन परसेंट डी ओके 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 दिस इज द करेक्ट अच्छा ये क्यों नहीं है इलेक्टिकल इलेक्ट्रिकल चेंज नहीं ना क्यों चेंज होगी क्यों चेंज होगी चेंज नहीं होगी ना क्यों नहीं चेंज होगी क्योंकि अभी भी पॉजिटिव क्रिस्टल के अंदर ही है तो प्रिजर्व रहती है ठीक है समझा अब चलो ये वाला नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल अब ये वाला एग्जाम्पल मेरे को बताओ ये वाला क्वेश्चन को आंसर देखो क्या पूछ क्या रहा है देखो आर इन ऑफ द सॉलिड द फॉलोइंग मतलब एग्जाम्पल में से पूछा गया ब्रास में अपने को स्कॉट की देखने को मिलता है कि जिंक सल्फाइड में कि सीजियम क्लोराइड के अंदर कि स्टेनलेस स्टील के अंदर ठीक है तो ऐसे क्वेश्चंस आपके मेमोरी बेस्ड होने चाहिए ठीक है

Uh, so, अभी तो चैप्टर खत्म होने को आ गया ना इसमें दस ही क्वेश्चन थे ठीक है तो देखो यहाँ पर आ जाओ देखो अब इसमें और क्या क्या क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है मैं वो बताता हूँ ठीक है हम लोग डेप्थ एनालिसिस करेंगे अपने को डरना नहीं है यार केमिस्ट्री में डरेंगे पागल है क्या अभिषेक सर के होते हुए केमिस्ट्री में डरोगे ठीक है और तुमको एक बात बताऊँ ऐसा गुरूर तो नहीं है बट भगवान की कृपा ऐसी है ना कि अभी तक एक बच्चे का ऐसा कॉल नहीं आया मुझे जिसने मुझे कॉल पे ऐसा बोला रहेगा या तो मैसेज पे ऐसा बोला रहेगा कि सर मेरा केमिस्ट्री का अब तक जीरो स्टडी हुआ है आप मेरे को केमिस्ट्री में बताओ मैं क्या करूँ ऐसा किसी ने नहीं, नहीं मुझे बोला तुम भी देखो स्टार्टिंग से लेकर के अब तक तुम मेरे से एक ही दो सब्जेक्ट की रिक्वेस्ट कर रहे थे वो था सी एस आई टी इलेक्ट्रॉनिक्स बरोबर और फिजिक्स वो दोनों मैंने ला दिया बाकी जो केमिस्ट्री अपना चल रहा है वो तो झमाझम जम चल रहा है तुमको दिख ही रहा है बरोबर की नहीं बोलने की जरूरत ही नहीं है तुमको राइट सो so, उसी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अपने को फुल्ली डेडिकेशन के साथ पढ़ाई करना है क्योंकि ये जो मोमेंट है ये जो माहौल है ये हमारा माहौल है समझे कि नहीं समझे ये जो एरा एरा मतलब ये जो चलता है ना समय ये हमारा समय और इस समय में हम बनेंगे और मैं बनाऊंगा तुमको ठीक है समझ में आ गया ना क्लियर हो गया तो चलो आगे की तरफ चलते दो तीन क्वेश्चन और कर लेते ठीक है अब यहां पर देख लो एक एग्जाम्पल दिख, दिखा देता तो हूं मैं आपको देखो यहां पर ये स्कॉटकेट इफेक्ट के एग्जाम्पल्स है क्या क्या देख लो एनएसएल ए जी बी और के सी एल इसमें देखने को मिलता है और फ्रेंकल इफेक्ट में आपको देखो एग्जाम्पल दिखाता हूं मैं देखो वन सेकेंड ना देखो ये फ्रेंकल इफेक्ट का एक्साम्पल है सबको पता है पॉजिटिव वाला इधर आ जाता है ठीक है डायग्राम बनाते समय थोड़ा सा ध्यान देना ठीक नेगेटिव, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव, है अब यहाँ पर देख लो इसके भी होंगे और मैं पर दिखाता हूँ आपसे क्वेश्चन आप कमेंट में बताइएगा कि ऐसा कौन सा ऐसा कौन सा एग्जाम्पल है जो कि दोनों में देखने को मिलता है स्कॉटकी में एज वेल एज फ्रेंकल में बहुत बार पूछा गया कौन सा है जल्दी जल्दी बताइए क्वेश्चन समझा मैंने क्या बोला ऐसा कौन सा है एग्जाम्पल ठीक है ऐसा कौन सा एलिमेंट वाला एग्जाम्पल है हाँ पुष्पा वाले सर है ना पुष्पा बैच वाले देखो ओ पुष्पा बैच फेमस वेरी गुड कमेंट पुष्पा बैच राइट right. देखो ना जल्दी जल्दी बताओ हाँ. क्या आ रहा है क्या आ रहा है वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड ठीक है चलो 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 वेरी गुड वेरी गुड ए जी बी आर ए जी बी आर राइट एजीबीआर इज द करेक्ट आंसर राइट ठीक है चलिए जलवा है आपका भी वह क्या बात है क्या बात है एजीआई कौन लिख रहा है कौन है भाई ए जी आई इधर देखो ए जी बी आर ठीक है ए जी ए जी बी आर ठीक है देखो यहां पर देखो एजी बी आर और इधर भी देख लो किधर है ऊपर की तरफ देख इधर एजीबीआर तेरे को एजीआई कहां से दिख रहा है भाई दबा 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 कुछ दिखाई नहीं दे रहा है गलत मत कर ठीक है जान जाएगी मेरी बहुत मेहनत से पढ़ा है तुमको ठीक है चलो आगे की तरह चलते हैं हम लोग ठीक है और एक दो क्वेश्चन इसमें कर लेते ठीक है इस, इस टॉपिक में से और क्या क्या क्वेश्चन बना सकते हैं ब्रास का ठीक है थीके? और तुमको पता है एक एक क्वेश्चन में तुमको चौचक वाला बताता हूँ पता है कौन सा वाला जो मैं खुद बता रहा हूँ तुमको देखो ध्यान से तो सुनना हाँ ये क्वेश्चन मस्त है मेरे लिए फेवरेट है देखो ये जो पार्ट था ना कौन सा वाला पार्ट ये वाला पार्ट देखो कंडक्टर इंसुलेटर ये सब पिछले साल रिड्यूस में था तो इस बार एग्जाम में इसमें से ज्यादा क्वेश्चन डाले मेरी गारंटी है ठीक है वो इतना ही सोच सकता है मुझे ये पता है ठीक है अब देखो यहाँ पर यहाँ पर देखो पी टाइप सेमी है कौन सा ये डिद डिद पी टाइप पी एटम वाला ठीक है पी टाइप वाला ठीक है तो अब इसमें मेरे को बताओ देखो एक चौदह चौदह ग्रुप नंबर चौदह है ठीक है ग्रुप नंबर कौन सा है चौदह ग्रुप नंबर समझता है ना ग्रुप नंबर पीरियोडिक टेबल का राइट तो एक में तेरह में तेरह में चौदह को डाला है और एक में पंद्रह में चौदाह को डाला है ठीक है तो मेरे को बताओ पी टाइप में किसमें किस किसको डाला है तेरह को डाला है चौदह में कि पंद्रह को चौदह में डाला है ठीक है जल्दी जल्दी बताइए पंद्रह को डाला है कि चौदह को कि तेरह मतलब चौदह में किसने में डाला है फोर्टीन में किसको ऐड किया तेरा को कि पंद्रह को जल्दी जल्दी बताओ यस दुबे जी जय श्री राम आगे बताइए फटाफट से ठीक है आंसर दीजिए ठीक है चलिए तेरा को डाला है बच्चे कह रहे तेरा को डाला है तेरह को, को चौदह में देखो रॉन्ग हो गया श्रेया श्रेया जी रॉन्ग किया आपने राइट और कोई आ, प्रियांशु प्रियांशु ठीक है प्रियांशु जी आपका भी रॉन्ग हो रहा है ऑलराइट राइट और स्टडी ब्लोजूम रॉन्ग कर रहे हैं सुभाषी गायकवाड़ रॉन्ग कर रही हो बेटा ठीक है नेहा पांडे वेरी गुड बेटा ठीक है चलिए 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 अच्छा सुनिए देखिए यार अरे आप क्या कर रहे हैं आप 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 कैसे बोल रहे तेरा कोड आ रहा है देखिए इधर पे देखिए आपको एक मोबाइल इलेक्ट्रॉन दिख रहा है मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या होता है एक एक्साइल एक इलेक्ट्रॉन मतलब चौदह में चौदाह में पंद्रह को डाला है राइट अगर मैं रॉन्ग हो गया तो देखते क्या हो सकता है ठीक है देखिए देखिए देखिये ध्यान से देखेंगे हम लोग कि कैसे क्या हो रहा है right, देखते हैं अभी देखो इधर पे देखते हैं हम लोग देखो क्या लिखा है इधर पे इसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा पढ़ लेते हैं देखो यहाँ पर देखो, देखो क्या लिखा हुआ है इसका कॉन्सेप्ट देखो देख देख दे रहे क्या बात है क्या बात है पंद्रह को डाला है चौदह में अरे भाई चौदह मतलब समझा ही नहीं तुम लोग को चौदह पंद्रह क्या है चलो अभी थोड़ा कॉन्सेप्ट पढ़ लो यार तुम लोग कॉन्सेप्ट थोड़ा सा ना लड़खड़ा गया तुम्हारा पता नहीं क्यों ठीक है अभी तुम चार दिन से पढ़ नहीं रहे हो लगता है केमिस्ट्री इसके लिए कॉन्सेप्ट लड़खड़ा गया तुम्हारा ठीक है इधर आओ ये देखो आओ शर्मा बताओ ठीक है जिंदगी में आखिरी बार तो पढ़ी रहे हैं हम इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ने मिलेगी वो भी अभिषेक सर से राइट ये भी यार गम है यार जीवन का एक टाइम आएगा आप मुझे छोड़ के चले जाओगे मैं चाहता हूँ आप मुझे छोड़ के चले जाओ बट यार तैयार दिया आपने बहुत क्या से क्या हो गए देखते देखते राइट चलिए इमोशनल मत होइए यार आइए पढ़िए ठीक है थीके? क्या सर आप भी बच्चों को इमोशनल है, चौदह है, तो है क्या होता है मैं मैं आपको, टेंशन मत ये और पी में टू जाएगा समझा तेरह में क्या होता है, ये ट्रिक है हमारी हमारी नंबर वन ट्रिक है, है एस और पी तीन है ना तो तीन में एस में दो पी में एक तो टोटल टू और वन थ्री ठीक है 15 में कैसे होगा पंद्रह में क्या होगा? S में दो पी में तीन All right? जब तू बेटा इसको डालेगा, डालेगा, किसको वाले को में ठीक तो है? तो यहां पर जो एक्स्ट्रा तू डालस राइट तो वहां पर जो एक, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, तो एक एक एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा है इसी एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन की वजह से मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होगा अगर मैं तेरा को डाल दू तो क्या होगा ये भी देखते जब मैं तेरा को डालूंगा तो अगर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पर दो और एक तीन है बट यहां पर तो कितना है चार है तो मतलब एक कम हो जाएगा और जो कम हो जाएगा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा वो एक चीज क्रिएट करेगा जिसे कहते हैं होल ऑलाइट क्या कहते हैं होल दुनिया में है बड़े बड़े झोल और हमारे सिलेबस में है होल ऑलाइट ये कुछ भी था कुछ भी मतलब कुछ भी इसी बात पे एक शायरी सुनाता हूँ तुमको चलो ठीक है सुनोगे थोड़ा मुस्कुरा लो एक शायरी सुनाता तो दि एकदम दिल धड़कने वाली शायरी सुनाता तुमको देखो ठीक है ध्यान से सुनिएगा अपनी किसी भी मेहनत को तुम बेकार मत मानना अपनी किसी भी मेहनत को तुम बेकार मत मानना मंजिल तुम्हें जरूर मिलेगी बस तुम हार मत मानना तो चलिए आगे की तरफ हम आपको लेके चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ राइट

कॉमन गाइज आई कैन सी योर कमेंट्स बहुत ही लाइक बहुत ही कम है जितने लोग देख रहे कम से कम उतनी लाइक भी हो गई तो मजा आएगा ठीक है जल्दी 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 नासिक जलगांव अकोला के बच्चे फटाफट से लाइक करेंगे आले रे आले तुम चे अभिषेक दादा आले आलेट ठीक right? <laughs> है हमारे यहाँ इलेक्शन होता है ना तो एक का अभिषेक दादा ठीक है चलो आगे चलते हैं ठीक है थोड़ा मुस्कुराइए यार थोड़ा खुशी रहिए जीवन में ठीक है गम देने के लिए है ना एग्जाम कितना पर मार्क कर रहे सेवन कौन सा सी मार्क कर रहे ठीक है वेरी गुड वेरी गुड अरे क्यों कर रहे तुम न, अभी अभी इसको मैं दो चार बार दिखा चुका तुमको बीसीसी का ठीक है खत्म हो गया सोल्यूशन पे आते हम लोग ठीक है एक एक करके धड़ाधड़ चलेंगे ठीक है ठीक है क्वेश्चन नंबर वन ओरे अहमदनगर वाले भी हैं ठीक है वाओ चला पटकन 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 करूँ या सोबत तुमी, मी, पूरे बगू या राइट चलिए फटाफट से जल्दी इसमें क्या पूछ रहा है पहले वो देख लीजिए क्वेश्चन में पढ़ देता हूं आपके लिए द फॉलोइंग द सोलिबिटी ऑफ विच आईनिक सॉलिड डिक्रीजेस विच इंक्रीज इन टेम्परेचर सॉलिबिटी डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर देखो सॉलिबिटी डिक्रीज होगी जब टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो ऐसा कौन सा सॉलिड है डिक्रीज होगी मतलब जो घुल रहा था वो कम घूलेगा जब टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा जल्दी जल्दी क्या आंसर मार्क कर रहे हैं कोई भी चीटिंग नहीं करेगा ठीक है सब शिद्दत से मार्क करेंगे ठीक है सी फोर्टी वन परसेंट वेरी गुड अच्छा मेरे को ये बताओ इसको आप तोड़ोगे कैसे एन ए टू एसओ फोर को ठीक है एन ए टू एसओ फोर को तोड़ोगे कैसे ऐसे तोड़ोगे क्या एन ए प्लस एसओ फोर राइट यहां पर आ, इसकी टोपी इस, उसके सर राइट तो ये जो दो पीछे है, इसको आगे ले लोगे तो लोग पर टू यहाँ पर टू माइनस यहां पर प्लस राइट कुछ इसी तरीके से राइट तो नंबर ऑफ आय किसमें ज्यादा है इसमें दो और एक तीन तो इसकी सोलिबिटी जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ आय उसकी सोलिबिटी डिक्रीज होगी इंक्रीज इन टेम्परेचर ये भी आप एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इसमें घुमा लो ठीक है चलो नेक्स्ट चलिए यहाँ पर ये क्वेश्चन का आंसर सबको राइट करना है इधर देखिए फटाफट से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स ओनली ऑन इन सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर टू हाँ प्रॉपर्टी किसके ऊपर डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स नंबर ऑफ सोल पार्टिकल्स या फिर नेचर के ऊपर नेचर ऑफ सोल्ड पार्टिकल्स ठीक है जल्दी जल्दी बताइए ऑलराइट वेरी right. गुड पूर्वा सूरज राइट right. अच्छी तैयारी चल रही लगता है आपकी भी वेरी गुड बेटा चलो फटाफट से आंसर दो इसका ठीक है जल्दी जल्दी आंसर दीजिए देखिए आपने बहुत पढ़ लिया है मैं आपको बता रहा हूं आप और दिमाग में घुसाने की कोशिश मत करिए अब जो आपने पढ़ा ना आप उसको निकालने की प्रैक्टिस करिए और वही मैं अभी यहां पर करवा रहा हूं समझा अरे मेरे बच्चों इधर सुनिए इधर 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 सुनिए तुमको प्यार से समझाता सुनो तुमने पढ़ा है ना साल भर अरे एक महीने पहले से तो तुमने पढ़ना चालू किया पर कम से कम पढ़ तो रहे हो ना राइट तो अब जब तुम पढ़ चुके हो तो अब मैं क्या करवा रहा हूं मैं पढ़ा भी चुका हूं तुमको अब मैं तुमसे जो भी तुमने पढ़ा है ना अपने दिमाग में स्टोर किया है ना उसको मैं बाहर निकलवाने की कोशिश कर रहा हूँ समझे तो अभी से जब तुम प्रैक्टिस निकाल लोगे ना लगा लोगे कि बाहर आ रहा है आ रहा है आ रहा है जो आपने पढ़ा है रिकॉल करने की आदत आपकी बन गई है तो आप एग्जाम में अच्छे से करके आओगे समझ में आया क्या आया ना आया ना राइट तो चलिए आगे की तरफ चलते इतने पास से देख के तुम डर गए होगे मुझे तो कोई बात नहीं ठीक है समझाना था इसके लिए मैं सोचा पास आ जाऊं मेरा वह तुम्हारे घर पे आ जाता मैं ठीक है right. कितना ए नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स के ऊपर डिपेंड करता है बहुत सही नेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता राइट मैंने आपको बताया था राइट अगर अपने पिंटिया का झगड़ा हो गया तो पिंटिया क्या बोलेगा दादा दादा माला मारा लाभ पोरेगा दस लड़के तो दस लड़के मतलब क्या हो गया नंबर, नंबर तू थाम 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 तीते तो है और फिर दादा कब आएंगे जब पिंटे मार वीर खा के हॉस्पिटल में रहेगा तभी ठीक <laughs> है सो so, वही सीन है ये एकदम सिंपल सा सीन है सर आइए आइए हमारे लेक्चर में सर देखिए कितना थक के आ रहे हैं धूप में से ठीक है अभी आते ही बैठेंगे अभी फिजिक्स का लेक्चर लेंगे चलिए आगे चलते हैं सर पानी पी लीजिए ठीक है नंबर ऑफ सोलड पार्टिकल्स हाँ चलो आगे चलते ठीक है नंबर ऑफ सोलड पार्टिकल्स ठीक है इब्लोस्कोपिक कॉन्स्टेंट अच्छा चलिए आ जाइए भाई दादा विदा लोग बुरा मत मानना ना पता चला दादा विदा बुरा मान गए गांव वाले मेरे को सुन के ठीक है दादा लोग में बहुत पावर है इधर देखो ट इज द बॉलिंग पॉइंट इवोल्यूशन वेन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूड इज इसका चाहिए तो क्वेश्चन आप टंग होना पढ़ के आप खुद आंसर दे दो क्या बोल रहे हैं इब्लोस्कोपिक बॉलिंग पॉइंट इवोल्यूशन अरे अपने को भी पता है अभिषेक सर बोले तो नंबर वन ट्रिक क्या इब्लोस्कोपिक की स्पेलिंग में बी आता है और राइट बॉलिंग की स्पेलिंग में भी बी आता है तो दोनों को मिला दोगे क्या बन जाएगा बी बी क्या चाहिए जीवन में तुमको बी बी यानी कि इब्लोस्कोपिक कॉन्स्टेंट अपना बॉइलिंग पॉइंट का होता है ये तो आपको पता चल गया अब गायरोस्कोपिक कॉन्स्टेंट किसका होता है कमेंट में बता देना रिकॉर्डेड वालों ठीक है चलो अब इसका आंसर क्या मार्क कर रहे हो बी हाँ क्या मार्क कर रहे हो जल्दी सोच लो अभी भी चांस दे रहा हूं मैं उसके बाद चांस नहीं दूंगा मैं इसका आएगा वन एम ठीक है क्या आएगा वन एम अब तुमको दिखाना पड़ेगा रॉन्ग कर दिया तुम लोगों ने ठीक है तुमको अच्छे से यहाँ पर दिखा के बताना पड़ेगा टेक्सट बुक में कहाँ से क्वेश्चन आया है ये ठीक है इधर देखो फटाफट से अरे आ जाओ भाई ठीक है इधर आ जाओ फटाफट से ठीक है अरे ठीक है इधर आ जाओ फटाफट से ये देखो ये रहा इधर आओ इधर आओ जल्दी आओ कहाँ जा रहे हो उधर देखो, देखो. आ, अरे आगे चलेगा ठीक है वो पॉइंट ये रहा ठीक है ये देखिए इब्लियोस्कोपिक कॉन्स्टेंट ठीक है किसके बारे में बात कर रहा है इधर पे दिख रहा है किसी को किसी को दिख रहा है ये ये दिख रहा है क्या लिखा हुआ है क्या लिखा हुआ है किसी को दिख रहा है ये ये चीज ये चीज दिख रही है देखिए क्या लिखा हुआ है वन मोलाल अच्छा वो नहीं दिख रहा है तो कम से कम ये दिख रहा है स्मॉल एम दिख रहा है तो तुम कैपिटल एम क्यों लिख रहे हो हाँ गलत बात ना बेटा बुरा लगा ना हमको ठीक है चलो सबको समझ में आ गया राइट right? इजी है ये इजी है देखिए फटाफट पट से है, उसको ये है? चलो कुछ कुछ बच्चे हाँ याद रखो ये, ये। गायरोस्कोपिक मैंने अभी भी बताया था ठीक है गायरोस्कोपिक गायरोस्कोपिक किसके ऊपर डिपेंड करता है जल्दी जल्दी आंसर करिए ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर हो गया ठीक है क्वेश्चन नंबर फोर का क्या आंसर आएगा बताओ होम सेंटर का कुछ फायदा होगा क्या लेट्स सी

राइट वेरी गुड वेरी गुड ठीक है नेचर ऑफ सॉलिड के ऊपर डिपेंड करता है किसका होता है? ये 2022 मार्च में पूछा गया था व्हाट इज आइसोटोनिक सॉल्यूशन एमसीक्यू के ऊपर क्वेश्चन कैसे बनेगा इसके ऊपर देखो आइसोटोनिक आइसोटोनिक सॉल्यूशंस आर द हैविंग है सेम अरे सेम क्या होता है उनमें सरफेस टेंशन अरे नहीं सर वेपर प्रेशर अरे नहीं सर विस्कोसिटी अरे नहीं सर तो आंसर क्या आएगा ऑस्मोटिक प्रेशर बहुत ही सिंपल आंसर था आई होप सबने मार्क किया रहेगा देखो ऑस्मोटिक प्रेशर के बारे में हम, मैंने आपको पढ़ाया प्रेशर नहीं यार ऑस्मोटिक प्रेशर पे ये देखो ना आइसोटोनिक ऑस्मोटिक प्रेशर से रिलेटेड राइट सेम ऑस्मोटिक प्रेशर होता है हाइपर मतलब एक का ज्यादा मतलब एक का कम राइट चलिए आगे की तरफ अपन चलते नेक्स्ट छट्टा डालिए ठीक है छट्टा सबको राइट करना है मैंने मार्च दो के पेपर में कराया है ठीक है जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट इन कैलकुलेटिंग ऑस्टमेटिकेशन ऑफ दर्विड इज एक्सप्रेस इन ऑस्मोटिक प्रेशर के लिए हम लोग क्या करते हैं? मोलारिटी का करेंगे, Molarity का, की percentage का, की का. करिए, डालिए, ठीक है क्या yeah, ठीक है जल्दी जल्दी पोल के अंदर आंसर करिए कितने लोग देख रहे आठ सौ तीस लोग देख रहे हैं हमें राइट right? कितने लोग देख रहे हैं? 822 आ चुके हैं पर लाइक बड़े ही कम है फटाफट से देखिए प्यारे बच्चों फटाफट से मार्क करिए क्विज चालू है आपका यहां पर चैनल को सब्सक्राइब करिए और मार्क करिए फटाफट से क्या आएगा इसका आंसर ए मार्क कर रहे हैं सिक्सटी फाइव परसेंट मोल बहुत सही आंसर है मोलैरिटी देखिए आप कंफ्यूज मत होइए हम आपको क्वेश्चन को वापस से समझा के दे रहे हैं देखिए 2022 में पूछा गया है हमने करवाया भी आपको अलग से अब देखिए यहां पर क्या पूछ रहा है इन कैलकुलेटिंग ऑस्मोटिक प्रेशर मतलब ऑस्मोटिक प्रेशर कैलकुलेट करते समय सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन हम किसमें एक्सप्रेस करते हैं तो इसका आंसर आएगा मोलैरिटी अरे भाई जिसमें एक एल आता है अभिषेक सर नंबर वन ट्रिक जीवन में भी एल लगते हैं पढ़ाई नहीं करते तब ठीक है तो एक एल का मतलब क्या होता है लीटर मैंने ऐसे ट्रिक बताया आपको लीटर राइट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर लीटर मतलब एल राइट सो दिस इज द कंडीशन ऑस्मोटिक प्रेशर भाई हम लोग कभी सॉल्यूशन का देख रहे ना सॉल्यूशंस में देखा करते हैं राइट चैप्टर ही सोल्यूशन से नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग नेक्स्ट आगे की तरफ चलो सेवंथ पे लेके आओ इनको ठीक है सेवंथ पे लेके आओ ठीक है बड़ा वर्ष सेवंथ पे लेके आओ कंप्यूटर माशे सेवन पे विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन विल हैव द हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा इसमें से इसमें से हाइएस्ट फ्रीजिंग पॉइंट किसमें होगा फ्रीज फ्रीजिंग पॉइंट हाइएस्ट ए जीरो पॉइंट वन केसीएल का अच्छा ए जीरो पॉइंट वन मोल लग रहा है ये जीरो पॉइंट जीरो लग रहा है आपको जीरो पॉइंट जीरो लग रहा है mol, mol है ना देख लो ना NaCl के सी एल मोल्स बताओ ठीक है जल्दी जल्दी बताओ फटाफट से क्या लग रहा है इसका 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 पूछ रहा हूं सेवेंथ का पूछ रहा हूं का डालो सेवेंथ का रिफ्रेश करके वापस डालो क्या दे रहे आंसर ए नहीं ना बेटा ए नहीं आएगा बेटा ए नहीं आएगा ए रॉन्ग कर रहे हो आप लोग ए क्वेश्चन आप रॉन्ग कर रहे हो एक बार वापस बोल डालो चलो ए नहीं है मैंने आपको बता दिया चलो अब फिर से एक बार ट्राई करो आप जल्दी 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 कम ऑन फास्ट एक बार वापस दो इनको चांस ठीक है दिया चांस चलिए ए नहीं था मैंने ए आपको बता दिया ए नहीं है अब बताइए से से है 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 ना और समझा वाला आंसर करेक्ट होगा ठीक देखना उसी उसी सबसे जो कम दिखेगा उसी को मार्क कर देना ठीक है चलो नेक्स्ट अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ईजी है देखिए क्वेश्चन है बहुत चौचक क्वेश्चन है देखिए ध्यान से देखिएगा मेरे को बता, का सिंबल क्या हेनरी का

चलिए और राइट तो आप आप समझ चुके हो प्रोपोर्शनल टू प्रेशर तो सोलिविटी क्वेश्चन के एच इनटू पी के एच दिया हुआ है पी दिया हुआ है झमाझम जम मल्टीप्लाई करो आंसर निकालो कन्वर्जन करना है क्या देखो एक बार नहीं करना है तो डायरेक्ट आंसर निकालो क्या आंसर मार्क कर रहे, रहे, रहे तो? क्या मार्क कर रहे मल्टीप्लाई किया कि ऐसी तुक्का मार रहे हो B 40 अरे दादा फिर से दो तो इनको पोल सब गलत कर रहे हैं डिसअपॉइंटिंग मेरे भाई मेरे दादा सुनो मेरी बात मैं क्या बोल रहा हूं क्यों मजे ले रहे हो क्या मेरे नहीं ना इधर देखो क्या बोला मैंने सोलिविटी इतना इजी ईजीजी क्वेश्चन रॉन्ग करोगे ना गुस्सा आएगा मेरे को फिर प्यार से समझाऊंगा देखो इक्वल्स टू के एच इन टू पी ये होता है के एच कितना है मेरे को बताओ जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन है तो इधर पे मैंने लिख दिया जीरो पॉइंट वन फाइव नाइन एन टू प्रेशर कितना है प्रेशर कितना है जीरो पॉइंट वन सिक्स फोर

मुझे घर जाना है भाई ये कौन से तो बच्चे आ गए मेरे पास मल्टीप्लिकेशन नहीं आ रहा है पांच ही फेल होते क्या नहीं ना चलिए मजाक कर रहे हैं आइए टेंशन मत लीजिए आप लोग कर सकते हैं उसके लिए आपको पहले एक चौकड़ी वाली बुक खरीदनी पड़ेगी फोर लाइन की फोर फिर फोर लाइन की बुक खरीदने के बाद वहां पे नंबर लिखना पड़ेगा जीरो फिर उसके बाद लगता है मैथ किसी गलत इंसान से सीख रहे हो चलो आगे चलते

चौथा ऑप्शन तो कभी आंसर नहीं होगा दूसरा या तीसरे में से ही होता है कभी भी बीच में आंसर होता है याद रखना ठीक है आप बताओ बी बी या सी में से आपको क्या क्या लग रहा है? क्या लग रहा रहा है है वेरी गुड और कितने बच्चे पोल कर रहे हैं एक बार देख, पोल का भी है 393, देख कितने रहे अरे आठ सौ लोग देख रहे हो तीन सौ लोग पोल कर रहे हो पोल कैसे करते हैं मैं सिखाता हूँ देखो देखो यहां पर यूट्यूब में जाओगे ना इधर देखो आपको दिखा दिखाओ देखो यहाँ पर यूट्यूब में जाओगे ना ये यूट्यूब है ठीक है मेरा खुद का लोड नहीं हो रहा है ठीक है यहाँ पर यूट्यूब में जाओगे तो यहाँ पर ना पोल का ऑप्शन आ रहा है बच्चों किसका आ रहा है लाइव चैट में पोल का ऑप्शन आएगा तो इधर देखो ये अच्छा ये, ये तो सुपर स्टिकर है सौ रुपये मांग रहा है छोड़ो ये देखो तो यहाँ पर पोल करने का यहाँ पर ठीक है नहीं पता रहेगा तो इसके बता देना यहाँ पर पोल ऑप्शन आता रहेगा उस पर क्लिक करो ए बी सी ठीक है चलो और ऐसे देखने से नहीं सीखोगे तुम पोल करने से सीखोगे कम से कम अंदाजा आएगा आपको कि आप कितना कर रहे हो फ्री ऑफ कॉस्ट है ना बेटा यूट्यूब की तरफ से आया है ठीक है अभी यही मिनटी मिंटी क्यूज आता है ना एक क्यूज उसका दस हजार रुपया लगता है इससे अच्छा यूट्यूब वाला ही करवा ले रहा हूँ बस एक इंसान को यहां बैठा दिया ठीक है वो भी देख रहे हैं कि कब छोड़ेंगे मुझे है। ये चलो देखते हैं बताओ दो जीरो पॉइंट टू मोलार ये बहुत कम बच्चे कर पाएंगे यहाँ जीरो पॉइंट टू मोलार यूरिया यूरिया का फॉर्मूला क्या होता है पता है मैं सिखाता हूं देखो नाच दो नाच दो सीओ नाच दो यूरिया का फॉर्मूला एक इंसान तेरे को भी बीच में वायरल हो गया कूद कूद के हल्के इनका सूत्र बताओ वैसे <laughs> तो मैं भी लगता है वायरल हो जाऊंगा <laughs> दो ना <laughs> कह दो ना माइनस टू ठीक है तो ऐसी मैं भी वायरल हो जाऊंगा <laughs> नाच दो सीओ नाच दो <laughs> तो मेरे को कैसे नाच के बताना पड़ेगा क्या नाच दो सीओ नाच दो <laughs> तो इसका किसके साथ सेम आएगा ठीक <laughs> है पोल डालो इसका जल्दी जल्दी बताओ बी जयशी मार्क कर रहा है सबसे ज्यादा और कोई जल्दी 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 बी तो नहीं है ये एक बार कितना आ रहा है व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारा भाई ठीक है चलो बी के बी आर के साथ इसका सेम आएगा ठीक है ग्लूकोज भी नहीं नंबर ऑफ आयन ज्यादा एन ए बी आर नहीं इस हिसाब से बी आर भी नहीं इज द करेक्ट आंसर आई थिंक सो ठीक है मोल ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है हमारा बेटा हम व्हाट्सएप किसी भी व्हाट्सअप ग्रुप में नहीं हमारा डेटा चोरी हो गया था बीच में इसके लिए हमने व्हाट्सएप ग्रुप बंद कर दिया ठीक है इस बात का आप ध्यान रखिए अगर आप किसी भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में तो गलत फहमी में आप हमारा तो है ही नहीं ठीक है कोई और ऑपरेट करेगा शायद उसको ऑलराइट राइट चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम आपको लेकर के ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे सारे बच्चे ठीक है बोले चलिए अब आगे की तरफ चलिए तीसरे चैप्टर पे आ जाते हैं अरे अभी तक तो दो ही हुआ है जल्दी जल्दी करिए बेटा ठीक है अब देखिए ये वाला क्वेश्चन हम आपको नहीं कराएंगे क्योंकि हमने आपको सैंपल पेपर में करवाया था प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में मार्च दो हज़ार बाईस का क्वेश्चन है तो आप ये वहां से कर लेंगे ठीक है अब यहाँ पर आ जाओ देखो ये वाला क्वेश्चन ईजी है हाँ बायो वाले बच्चे ईजीली कर लेंगे देखो ये क्या है इधर देखो थोड़ा ऊपर लो ऊपर लो इधर आ जाओ ये डालो क्वेश्चन नंबर टू क्वेश्चन नंबर टू डालिए ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज हाईली बफर्ड ऑट पीएच ठीक है इसका आंसर सबको चाहिए ये सब थियर क्वेश्चन है एग्जाम में जब ये सब क्वेश्चन आएंगे ना आपके तो आपके ये सब टाइम बचाएंगे समझे आप मैराथन अटेम्प्ट right. कर लेना जितना उसने करा दूंगा उतना कर लेना सत्तर में से कम से कम पचास से सात नंबर का पेपर आराम से लिख के आओगे ये मेरी गारंटी है ठीक है चलो राइट right. आगे चलते ठीक है चलो क्या बोल रहे बच्चे बेटा ठीक है राइट थोड़ा सा उंगलियों का इस्तेमाल करिए बेस बताना है बेस अच्छा मेरे को बताओ बेस बनाने के लिए क्या करते हैं अभिषेक सर नंबर वन ट्रिक क्या है अगर आपको एसिड बनाना है कौन सा एसिड कॉन्जुगेट एसिड तो आप ऐड करेंगे क्या करेंगे बोलो ऐड करेंगे राइट राइट अगर आपको बेस बनाना है तो क्या करेंगे आप माइनस करेंगे अरे हाँ या ना अगर आपके पास कोई बेस है आपको उसका कॉन्जुगेट एसिड बनाना है तो आप क्या करोगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे ऐड करेंगे राइट तो हाइड्रोजन को ऐड करेंगे क्या करेंगे हाइड्रोजन को ऐड करेंगे अगर आपको आपके पास एसिड है और आपके आपको उसको कॉन्जुगेट बेस बनाना है तो आप क्या करोगे काटोगे क्या यानी कि निकालोगे सब करोगे किसको हाइड्रोजन को ये मेरी ट्रिक है राइट अब आपके पास देखिए यहां पर ये दिया हुआ है और ये बोल रहा है कॉन्जुगेट बेस बनाओ बेस के लिए क्या करेंगे सब करेंगे किसको हाइड्रोजन को तो बताओ कौन सा करूं मैं ए बी सी डी ई बताओ अरे e ई कहां से ए बी सी डी बताओ क्या लग रहा है ये देखो ये जो है इधर पे एन एस सीट एन एस सी एस टी कहां से आ गया इधर है ही नहीं उधर है ठीक है तो ए ऑप्शन तो आएगा नहीं इधर पता नहीं कैसे कुछ भी कर रहे हैं लोग ठीक है बी सी डी देखो मैंने कैसे मैं ट्रिक करने का मेरा देखो मेरा मेरा तरीका देखो मैं कैसे एमसीक्यू सॉल्व करता हूं मैं सबसे पहले क्वेश्चन को पढ़ता हूँ फिर उसके बारे में थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करता हूँ फिर एलिमिनेट करता हूँ अब देखिए एलिमिनेट कर दिया कौन बनेगा करोड़पति में जा सकता हूँ सस्ता वाला जा सकता हूं इधर देखो अब क्या करेंगे हम लोग सिंपल तरीके से ए तो काट दिया बी सी डी बच रहा है अब बताओ फटाफट से बीसीडी में से क्या लग रहा है हाँ सब टैक कर रहे हाइड्रोजन को देखो यहाँ पर चार है यहाँ पर तीन होगा डायरेक्टली डायरेक्टली हाइड्रोजन ऑक्सीजन सब आया है नहीं 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 ये तो नहीं लग रहा है ठीक है बी भी नहीं लग रहा है अभी देखो ये वाला सी या डी में से एक ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको ठीक है यहां पर देखो चार ऑक्सीजन है यहां पर एक ही है तो ये भी नहीं होगा ये सी इज द करेक्ट आंसर कैसे देखो इसमें से लोगों ने एक हाइड्रोजन को बाहर निकाल लिया ठीक है समझेंगे समझे एक ओएच को क्या कर लिया बाहर निकाल लिया सी इज द करेक्ट आंसर राइट फटाफट से क्या ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया अला फिजिक्स वाला अलग पांडे फेक आईडी है वही मैं बोलू वही मैं बोलू वही मैं बोलू फिजिक्स वाला सर मेरे को कैसे याद कर ले ठीक है बड़े आदमी है भाई वो लोग ठीक है हम छोटे आदमी महाराष्ट्र के ठीक है वो पूरे इंडिया में रिवोल्यूशन लेके आ गए हम क्या छोटा आदमी चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट पर बड़े बड़े काम कर रहे हैं हम भी महाराष्ट्र के बच्चों के लिए द पी ओ एच वैल्यू फॉर सोल्यूशन इज फोर इट्स हाइड्रोजन आयन कॉन्सेंट्रेशन विल बी अरे पी ओ एच की वैल्यू चार दी हुई है अगर आपको चार पीओ एच दिया तो आप पी एच निकाल सकते हो कैसे बताओ चार तो चार में पी एच निकल के आ गया दस राइट right? अब अपने को हाइड्रोजन आयन निकालना है तो कैसे होता था पी एच इक्वल टू माइनस लॉक टेन ऑफ लॉक टेन ऑफ एस प्लस एन कॉन्सेंट्रेशन तो सीधी सी बात है इसका एंटीलॉग निकल जाएगा आंसर आ जाएगा ये थर्टी नाइन परसेंट बच्चे आंसर दे रहे हैं जो कि जो कि, जो कि, जो कि गलत है जो कि गलत है बी दे रहे है। बेटा बी इज द करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में बताना किसी ने कैसे किया ठीक है कमेंट सेक्शन में बताना ठीक है ठीक है चलो नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते ये वाला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है इसको आप इजीली कर सकते हो चौचक तरीके से मैं बता दे तो, देखो कैसे? में 5 दे दिया तो आप अल्फा निकाल सकते हो राइट अल्फा निकाल सकते हो डिसोसिएशन एट ये देखो ये बोल दिया ये तो अपना सी होता है सोल्यूशन डिसोसिएशन कॉन्स्टेंट ऑफ एसिडिस

ऑल सब्जेक्ट का पढ़कर हो गया अब क्या करूं अब जो मैं करा रहा हूं इसी को आपको करना है ठीक है बच्चों का पढ़ के हमेशा से हो गया है ठीक है बस उनको यही है कि उनको एक श्योरिटी नहीं आ रही है कंफर्मेशन नहीं आ रहा है कि हमारा पढ़ के हुआ है कि नहीं हुआ है अच्छे से तो उनको तभी पता चलेगा जब वो टेस्ट देंगे तो इसीलिए मैं यहाँ पर खड़े होकर एक घंटे से टेस्ट कंडक्ट करवा रहा हूँ ठीक है यही मेरा रीजन है ठीक है चलिए क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए फटाफट से क्वेश्चन नंबर सिक्स पे आइए पे आइए फटाफट से देखिए द प्लस फॉर वीक एसिड डिसोसिएशन ऑफ एसिडोसिएशन सी इज नियरली इक्वल टू भाई फॉर्मुला बताओ कौन सा राइट होगा ये फॉर्मुला कभी देखा है सस्ता वाला फॉर्मुला देखा है ये नहीं ना तो इसको तुरंत काट दो ठीक है ना अरे भाई कभी ऐसा फॉर्मूला देखा है सी अपॉन के देखा है नहीं ना एलिमिनेट कर दो अब एबीसी में से कुछ बताओ जल्दी बोलो भाई एबीसी में से क्या आएगा बच्चो ठीक है ऑलराइट right. जल्दी जल्दी बताओ जल्दी फास्ट बहुत सही बहुत सही क्या आंसर कर रहे परसेंट हाँ अच्छा बाय में सी होता है क्या बाय में सी होता है ऐसा होता है ऐसा होता है रॉन्ग बी इज द करेक्ट आंसर आ जाओ इधर देखो कॉन्सेप्ट में तेल लग गया है ठीक है चलिए आइए देखते दिखाता हूँ इधर आऊ ऐसा करोगे तो सीटी कैसे पढ़ाऊंगा तुम लोग को मैं आ? ये देखो हाँ के सी ये भी मार्क कर सकते हैं आप ठीक है हाँ, ये राइट है राइट क्या मार्क किया लोगों ने ए मार्क किया था ना कि क्या मार्क किया था बी ए मार्क किया राइट राइट ठीक है फॉर ए वीक डिस्टन कॉन्सटेंट के एंड कॉन्सेंट्रेशन सी नियरलीक्वल टू हाँ ठीक है ना ये सही है ठीक है चलो राइट right. अगर वन बाय उधर देखा ठीक है, है, है? जल्दी बता दो बफर सोल्यूशन कौन सा इनमें से ए बी सी डी डालो पोल्ड डालो मैं थक जाऊ थोड़ा बैठ लूंगा भी चलो जल्दी जल्दी पोल्ड पे ध्यान दो आंसर करिए मार्क क्या इसका आंसर बताइए जल्दी बोलो भाई ठीक है अरे नोटिफिकेशन में डालता हूं तुम अपना नोटिफिकेशन ऑन ही नहीं कर रहे हो ठीक है सुपरवी पढ़ ले कि ये लिख के आएगा एग्जाम में तू ना लाइक कहीं का सुपरवी को ब्लॉक कर भाई और एक कब से लिपस्टिक बना रहा है उसको भी ब्लॉक कर ठीक है दो तीन लोग को उड़ा तब समझेगा ये लोग को चलिए आगे चलिए नेक्स्ट ये देख लिपस्टिक कब से एक बना रहा है उसको उड़ा पहले फटाक से ठीक है ठीक है चलिए क्या बात किया लोग में? क्या कर रही है ना ये ना सी एस टी सी एच एस डी है हाँ ठीक है ठीक है नीचे ठीक है ठीक 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 है 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 सी इज़ द करेक्ट आंसर राइट चलो नेक्स्ट इस पे आ सेम वैसे ही जैसे पहले क्वेश्चंस को क्या था वैसे ही एस सी दे दिया है परसेंटेज दे दिया है पीएच निकालना ठीक है थीके? हम ऐसे क्वेश्चंस को पहले भी कर चुके हैं नाइन्थ पे नाइन्थ वाला डाल नाइन्थ वाला छोड़ है

ठीक है फारूकी जी शुक्रिया आगे चलते चलिए क्या माफ कर रहे हैं वेरी गुड वेरी गुड देखो यहां से अगर अपन हाइड्रोजन निकाल सकते हैं right? राइट और इसमें अगर हाइड्रोजन ऐड कर दे तो एच टू एस फोर हो जाएगा निकाल लेंगे तो एसओ फोर हो जाएगा सी इज द करेक्ट आंसर समझ में आ गया रहेगा राइट नेक्स्ट आगे की तरफ चलते हम लोग नेक्स्ट ठीक है ये वाला बताओ दी एच ऑफ पी एच ऑफ द पावर माइनस एट मोलर ऑफ एच सी एलिस पी एच बताना है इसका ठीक है जल्दी 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 ग्यारह डालना लेस देन सेवन की ग्रेटर देन सेवन वैभव जी दस हजार रुपए सुपरचैट कर दीजिए अभी मिनटी चालू करवा दूंगा अभी के अभी चालू करवा दूंगा दस हजार बस सुपरचैट में अभी भेज दीजिए तुरंत मिंटी करवा दूंगा ठीक है यहां पर एक तो एक पर्सन को बैठाना पड़ रहा है तुम लोग के वजह से कि कम से कम वो फोल्ड डाले उसकी तुमको कदर नहीं है ठीक है तुम मिंटी की मांग कर रहे हो मिंटी के बारे में मैंने कहा ना पहले स्टार्टिंग में बताया ना आपको उसके लिए अलग से चालू करवाना पड़ेगा पैसे लगते हैं उसके ठीक है और आप समझ नहीं रहे हैं उस बात को कब से मिंटी मिंटी किए जा रहे हैं ठीक है चलो क्या बात माफ कर रहे सी वेरी गुड लेस देन सेवन तैयारी तगड़ी चल रही है आपकी ठीक है राइट right, चलिए आगे की तरफ चलिए ठीक है ये बताइए फटाक से विच चौथो पॉलिविंग सोल्यूशन पी एच वैल्यूज इक्वल टू वन पॉइंट जीरो पी एच इनमें से किसका वन पॉइंट जीरो आपको सारों का सारा सॉल्व करना पड़ेगा ठीक है जल्दी जल्दी सॉल्व करिए राइट आज अभिषेक सर की टीम पता नहीं कहाँ रह गई है ठीक है बहुत से बच्चों को ब्लॉक नहीं किया जा रहा है पता नहीं क्यों जिनको पढ़ने का मन ही नहीं है ठीक है जो डिस्टर्ब किए जा रहे हैं खाली ऑल राइट बाकी को डिस्टर्ब किए जा रहे हैं right, अरे भाई जिनका पढ़ने का मन नहीं कर रहा मैं तुमको बता देता हूं तुम सही चैनल पे आए हो यहां पर ही तुम्हें फ्री में पढ़ाया जा रहा है इसीलिए तुम अपनी हरकतें करे जा रहे हो समझे और राइट right, भूमि थोड़ा ध्यान दो राइट right, पूर्वा जिनको मैंने मॉडरेटर बनाया हुआ थोड़ा ध्यान दीजिए चैनल पे देखिए स्पैम कर रहे बच्चे इधर पता नहीं कौन कौन से इमोजी भेज रहे हैं चलिए, चलिएट right, आगे चलते ठीक है चलो अरे बाहर करवा दूंगा ना स्नेहा पढ़ाऊंगा ऐसे ठीक है चलो right, हाँ पता रिकॉर्डेड वाले इसके लिए देखते ना वो लोग देखते हैं वो लोग हंसते रहेंगे अपने पे पता है क्यों क्योंकि वो बोलते रहेंगे जो लाइव में बच्चे आते हैं ना वो लाइव आके भी पढ़ते नहीं है समझना मैं क्या बोल रहा हूं जो बच्चे स्पैम कर रहे हैं उनके लिए मैं कह रहा हूँ जो रिकॉर्डर वाले रहेंगे ना वो अपने को देख के हंसते रहेंगे अपने के ऊपर कि ये बच्चा लाइव आके मेरे से डबल टाइम रेस्ट करके नहीं पढ़ रहा है और मैं साना जो रिकॉर्डेड में आके इस वीडियो को 1.5x 1.75x की स्पीड पे भगा के पूरा का पूरा पढ़ ले रहा हूं और वो भी उससे अच्छा सोचो इस बात को मैं क्या कह रहा हूं समझे तो अगर आप लाइव में बैठे हैं आप अपना मुझे टाइम दे रहे हैं सबसे कीमती टाइम है इस समय आपका मेरा क्या है मैं तो यहीं पे पढ़ा रहा हूँ फ्री में पढ़ा रहा हूँ उसमें तो कुछ है ही नहीं समझे समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं तो तुम्हारी वैल्यू ज्यादा है तुम्हारे टाइम की तुम्हें एग्जाम देना है एग्जाम में मैं नहीं आ पाऊंगा तुम्हारे साथ इसी बात का एक गम है हमें नहीं तो आ जाता तो लिख भी देता था ये तो पॉसिबल है नहीं इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ कि अगर आप लाइव आए हैं तो आप इस क्विज का इस्तेमाल करिए और अपने आप को टेस्ट करिए ठीक है ऐसे देखने से नहीं आएगा आपको चीजें और राइट ट्राई करने से आएंगी ये चीजें जाए से क्या होगा मिस्टेक्स होगा राइट सब प्लीज़ कोई भी इधर उधर की बातें ना करिए और मत करिए टाइम पास अपना ठीक है या फिर दो चीज हो सकती है या तो आपको सब कुछ आता है जो मैं यहाँ पे करा रहा हूँ तो फिर आपके लिए तो ये चैनल है ही नहीं या फिर आपको नहीं आता है अगर आपको नहीं आता है तो आप आइए पढ़िए हम आपको पढ़ाने ही आए हैं ठीक है चलिए चलिए ऑलराइट आगे चलते हैं ठीक है चलिए ये हो गया ना चल ठीक है हो गया चलो केमिकल थर्मोनाइ पे आ जाओ चौथे वाले पे पहला क्वेश्चन इजी है फटाफट पड़ से आंसर दो ये डालो से फास्ट फर्स्ट वाला ठीक है इन ऑफ ऑफ द द फॉलोइंग एंट्रोपी एंट्रोपी सिस्टम डिक्रीजेस किसमें डिक्रीज होती है यार जल्दी जल्दी बता दो देखो क्रिस्टलाइजेशन ऑफ लिक्विड इनटू सॉरी एंट्रोपी का मतलब पता है क्या होता है कॉन्सेप्ट आता है एंट्रोपी का एंट्रोपी क्या होता है याद करो रैंडमनेस राइट मैं आपको बता था ना अगर एक गमला लेके जाता हूँ गमले के अंदर मट्टी है गमले के अंदर क्या है मट्टी है और उस मट्टी को मैं क्या करता हूं इसे छोड़ देता हूं तो जैसे ही मैं गमले की मट्टी को छोड़ दूंगा ठीक है गमले की मट्टी को छोड़ दूंगा तो गमले की मट्टी नीचे गिर गई गमला भी गिर गया राइट तो मट्टी क्या हो जाएगी फैल जाएगी मतलब रैंडमनेस ज्यादा हो गया तो एंट्रोपी ज्यादा होगी राइट तो उस तरीके से आपको बताना है जल्दी जल्दी बताइए ठीक है जल्दी क्या आएगा टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या आएगा इसका बच्चे गैस टू गैस नहीं ये टू नहीं क्या बात कर रहे ए कर रहे वेरी गुड तो एंट्रोपी क्या बोला है डिक्रीज होगी कम होगी अब देखो लिक्विड लिक्विड का ज्यादा होगा लिक्विड ज्यादा फैला हुआ होता है ठीक है इधर उधर हर जगह बट सॉलिड कैसा होता है एक जगह फिक्स होता है तो लिक्विड से सॉलिड आते समय गिर गई ना एंट्रोपी समझे कि नहीं समझे लिक्विड से सॉलिड आते तो एंट्रोपी क्या हो गई गिर गई कैसे क्योंकि लिक्विड हर जगह फैला हुआ है सॉलिड एक जगह पे फिक्स है आइए इस पे आइए विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक इनमें से बताइए एक्सोथर्मिक कौन सा है देखो अभी तुरंत दो सौ बच्चे हमारे कम हो गए ठीक है चलो कोई और right. आगे की तरफ चलते हैं हम ठीक है बताइए राइट right. क्या आएगा इसका आंसर इसका आंसर क्या आएगा जल्दी जल्दी ये वाला क्वेश्चन नंबर टू डालिए पोल डालिए एक बार जल्दी कितना आएगा क्या आएगा सी फोर्टी परसेंट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट हां देखिए ना ये वाला ठीक है दिस इज द वन एक्ट निकल रही है ठीक है चलो नेक्स्ट ये वाला तो बहुत इजी है ठीक है थर्ड वाला थर्ड वाला डालना एक बार वाला इजी है, इसको तो सबको आंसर करना है राइट एकदम राइट स्टार मार्क करके एकदम राइट आंसर करिए है। है? कौन सी है जल्दी जल्दी बताइए कितना एक घंटा हो गया ना अपने को कितना स्क्रीन दिखा रहा है? घर पर टाइमिंग दो सौ एमसी कराना था कैसे करा पाऊंगा वन फोर एक घंटा चार मिनट हुआ ना ठीक है इसके बाद ब्रेक लेते थोड़ा ठीक है चलो जल्दी जल्दी बताओ इसका आंसर बहुत ईजी यार इंटेंसिव प्रॉपर्टी का दो पेयर बताना है दो पेयर बताना हीट कैपेसिटी किसका होता है बताओ मेरे को हीट कैपेसिटी नहीं ये तो नहीं ये नहीं लग रहा डी भी नहीं लग रहा है विस्कोसिटी 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 इंटरनेज भी भी नहीं नहीं सरफेस टेंशन ये ओनली डेंसिटी डेंसिटी एंड और इसमें देखो विस्कोसिटी बराबर था इंटरनेज नहीं समझे कि नहीं समझे 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 कि नहीं समझे समझेगा राइट राइट क्लियर है ठीक है ऑल राइट ऑल राइट ऑल लाइट वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे ले लो इनको फटाफट फ़ड़ से द थाल चेंज ये तो मार्च में मैं ये करवाया है ठीक है तुमको ये करवाया है मैंने ठीक है सॉलिड से देखो ना सॉलिड से लिक्विड होता है तो क्या होता है देखो ये वाला ये वाला क्वेश्चन हमने किया है राइट पेपर में किया है तो इसको हम अपन वापस भाव नहीं देंगे ठीक है ये वाला करो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ ठीक है क्वेश्चन नंबर फिफ्थ करो सबसे पहले इसमें वी वन और वी टू पहचानो ठीक है अब देखो एक सेकेंड थोड़ा देखने में प्रॉब्लम हो रहा रहेगा पर सॉरी अब देखो क्वेश्चन नंबर फिफ्थ डालना एक बार ठीक है देखो क्वेश्चन देखो एग्जाम में भी ऐसी आएंगे ठीक है न्यूमेरिकल तो मतलब एक एमसीक्यू में फिक्स है जो कि एक्सपांड हो रही है कहा एक्सपांड हो रही है एक वॉल में एक्सटर्नल प्रेशर पे फ्रॉम एन इनिशियल वॉल्यूम टू पॉइंट फाइव लीटर टू फाइनल वॉल्यूम फोर पॉइंट फाइव लीटर ठीक है इतने से इतने तक द चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा यू अपने को बताना ठीक है तो मेरे ख्याल से ये वी वन है और बच्चों ये वी टू है और आपका एक्सटर्नल प्रेशर है पर कौन एक्सटर्नल है तो माइनस पी एक्सटर्नल है आपको पूछ कर रहा है यू पूछ रहा है सॉल्व करिए इसको फास्ट ठीक है चलिए हाँ कुल cool करनी नहीं चलेगा ठीक है चलो नेक्स्ट 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 क्या बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर कौन सा है आए क्या वो करूंगा तो हट जाएगा वो चलो ठीक है फिफ्थ 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 बी फोर्टी एट परसेंट ऑल राइट ऑल राइट और कोई किसी को कुछ और आंसर आ रहा है और कोई अलग आंसर वाला कितना मार्क कर रहे प्लस में आएगा आंसर चेंज इन इंटरनल एनर्जी थोड़ा सा कैलकुलेशन देखो फॉर्मूले में माइनस आता है क्या एक देखो ठीक है एक बार देखो वापस से देखो जल्दी जल्दी फॉर्मूले में तुम लोग प्लस या माइनस में मिस्टेक कर रहे हो मेरिकल नहीं हुआ ना इसका इनका ये चैप्टर का इसके लिए लॉन्ग कर रहे ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी बताओ ए ए माइनस वन हंड्रेड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड आप थोड़ा रॉन्ग हो रहा है आंसर देखो थोड़ा चेक करो ठीक है छट्टा वाला बताओ फटाफट से क्या आएगा ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन समझता है ना जो इनिशियल स्टेट और फाइनल के ऊपर डिपेंड करता है तो कौन सा इनमें से बताओ आंसर दो क्यू प्लस अब देखो इसमें मल्टीपल आंसर है ठीक है तो इसमें से दो 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 तीन आंसर ऐसे इस तरीके से दिया गया है इसको ट्राई करो इसको इसको पोल डालो नहीं वर्मा ठीक है चलो जल्दी 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 क्या मार्क कर रहे बी मार्क कर रहे हो ठीक है मैंने आपको टाइम दिया क्वेश्चन देखने का आई होप आप क्वेश्चन को देख रहे हो और सॉल्व कर रहे हो सेकेंड और थर्ड क्यू आर डब्ल्यू वेरी गुड ठीक है सेकेंड एंड थर्ड इज द करेक्ट आंसर ठीक है चलो नेक्स्ट अब चलो ये वाले क्वेश्चन ये वाला क्वेश्चन देखो जुलाई 2022 का होमवर्क करके इसको ट्राई करो एक बार पहले वाले के जैसा ही ठीक है ये वाला ट्राई करो आठ वाला लगा लगा ऑफ फॉर्मेशन फॉर ऑल द एलिमेंट्स इन दर स्टैंडर्ड स्टेट इज फॉर्मेशन बताया पूछा है ठीक है नवनीत रंजना ठीक है चलो आगे ठीक है अनुज तिवारी देख लिया भाई बस करो अभी चलो आगे चलो नेक्स्ट क्या आंसर आएगा मार्क कर बी फिफ्टी सिक्स परसेंट मार्क कर रहे हो वेरी गुड राइट आंसर जीरो स्टैंडर्ड से राइट चलो नेक्स्ट नाइन्थ पे लेके तो साथ डालो एक एक करके नाइन्थ डालो पहले फिर टेंथ डालो चलो थोड़ा अभी थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं अभी दो दो क्वेश्चन एक साथ करेंगे ठीक है नाइन्थ डालो तीन सौ छप्पन लोग पोल का अंदाजा ले रहे हैं बाकी के बच्चों को भी लेना चाहिए इसका अंदाजा ठीक है ठीक है चलो 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 फटाफट से आंसर करो ऑल राइट right. जल्दी आंसर करिए क्या आएगा क्वेश्चन नंबर नाइन और टेन का आंसर ठीक है ठीक क्या बात कर रहे हो ए फोर्टी फाइव परसेंट ठीक है और टेंथ वाला दो पोर्ट नहीं डाल सकते ना साथ ठीक है ए वाला तो तुम्हारा राइट है ठीक है टेंथ वाला डालो आज अच्छा पहली बार तुम लोगों का कमेंट देखना पड़ रहा है और बहुत ही मतलब बहुत से वाइदात आए हैं हमारे पास आज ठीक है मेरे पास ना एक्चुअली पढ़ने वाली पब्लिक है मेरे पास और जो मेरी ऑडियंस है ना रॉयल ऑडियंस है रॉयल समझते हो ईमानदार ऑडियंस है ठीक है ना सार बर से मेरे साथ पड़ रहे ना अब ये कुछ आए हैं इधर उधर से घूम के तो लगा निकल गया लगता है वो यार वही सारी है वो वो लगा वो साइड वाला तो बरबर है ना हाँ ठीक है चलो 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 ठीक है बी टेंथ का क्या मार्क कर रहे हैं बी कितने परसेंट

गिफ्ट फ्री एनर्जी वाले टॉपिक पे लेके आ रहा हूं मैं तुमको ठीक है आई होप तुमको समझ में आ रहा होगा तो टॉपिक के बारे में समझाऊंगा तो अच्छा है इसमें क्या करना रहता है है क्या इसमें देखो दो इक्वेशंस देना रहता है ठीक है जो इक्वेशन से रहता है और ये साइड वाला जो रहता है ना उसको जीरो करना है फिर उसके बाद इसको सॉल्व करोगे तो आएगा समझे ठीक है चलो एक काम करते हैं अभी आपको थोड़ा सा ब्रेक देंगे हम ठीक है फिर उसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री लेंगे ऑलराइट नहीं एक काम करते एक एक घंटा हो गया ना ठीक है चलो मेरा पैर दर्द मेरा भी कर रहा है भाई ठीक है चलो आगे चलते हैं ठीक है फटाफट से ये डालो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री

फटाफट कि 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 से आंसर बताओ क्या आएगा इसका आंसर? इसको खाली तोड़ना है, बहुत इजी क्वेश्चन है है, ये, ये टू है। इसका टू आ आ जाएगा। सिंपल है यहाँ पर लिया मैंने ठीक है क्या ही तुम इतना डर रहे हो? ये पोल डालना एक बार ठीक है क्या ड्यूरिंग क्या पूछ है ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस

जल्दी जल्दी बताओ करा रहे बहुत ब्राइट है ब्राइट है ये बराबर है ब्राइट है क्या बोल बराबर है बेटा कहाँ ब्राइट है जो बच्चे को बस खुश खुश बेटा चलो अब सॉल्व करो इसको आंसर बताओ क्या सॉल्व किया लो आंसर बताओ क्या कर रहे वेरी गुड जीरो पॉइंट जीरो टू राइट आंसर बेटा वेरी गुड आगे चलो अरे आगे जाओ नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ अब ये वाला बताओ देखो क्वेश्चन का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट इसमें देखो कंसीडर द सेल ये सेल का ये ये अपने को ये दे रखा है ठीक है इफ कंसंट्रेशन ऑफ एच एल इज इंक्रीज अगर एच सी को इंक्रीज करते हैं कंसंट्रेशन ठीक है द सेल पोटेंशियल विल बी पोटेंशियल सेल का क्या होगा ये पूछ रहा है आपको ये डालना एक बार थर्ड वाला सिंपल एक है एकदम सिंपल है थोड़ा तो सा दिमाग को इस्तेमाल करो कॉन्सेप्ट को इस्तेमाल करो ठीक है आपको सीटी क्रैक करना है राइट तो अभी आपसे क्वेश्चंस बन जाने चाहिए एकदम इजी तरीके से ठीक है चलिए जल्दी क्या डाल रहे हैं हैं क्या आप मार्क कर रहे मार्क्ट वेरी गुड इंक्रीजेस ठीक है थोड़ा सा चलिए आगे की तरफ हम लोग चलते हैं वेरी गुड राइट आंसर ठीक है इंक्रीज होगा ना भाई जब उसको इंक्रीज कर रहे तो ठीक है अब ऐसे टाइप का क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके राइट हम लोगों ने मार्च दो का पेपर सॉल्व किया था उसमें था ये क्वेश्चन ठीक है अब ये वाला क्वेश्चन मेरे को बता दो फटाफट से क्वेश्चन नंबर फाइव डालना एक बार ठीक है ये क्वेश्चन अच्छा है क्वेश्चन नंबर फाइव ऑन डाइल्यूटिंग द ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट को अगर हम कर रहे तो क्या हो रहा है बोथ ये इसका मतलब क्या है मेरे को बताओ कमेंट में इसका मतलब क्या है भूल तो नहीं गए इसका मतलब क्या है मेरे को बताओ कंडक्टिविटी मोलर कंडक्टिविटी भूल गए क्या हो रहा है बताओ चारों ऑप्शन में से बताओ क्या क्या आएगा ठीक है चलिए मार्क आंसर्स को मार्क करिए जल्दी ठीक है चलो नेक्स्ट right. क्या क्या माक कर रहे सी वेरी गुड डिक्रीज होगा डाइल्यूट कर रहे हो ना तो मोलर कंडक्टिविटी तो क्या इंक्रीज होगा और कंडक्टिविटी क्या होगा डिक्रीज होगा राइट right? कॉन्सेप्ट याद है ना आपको कॉन्सेप्ट तो नहीं भूल गए ना इसका कॉन्सेप्ट याद करने की कोशिश करो को एक बार याद करो क्या कर रहे हैं हम लोग डायलूशन कर रहे हैं जब हम लोग सोल्यूशन सोल्यूशन को डायल्यूट करते हैं तो कंडक्टिविटी क्या होगी डिक्रीज होगी राइट right? मुला कंडक्टिविटी क्या होगी इंक्रीज होगी याद करो सोल्यूशन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ा है देखो अभी वाला ये वाला डालना एक बार बड़ा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा कंसिडर a... क्या ये आ, बड़ा क्वेश्चन क्वेश्चन ही छोड़ो ये ये वाला छोड़, छोड़। सातों डालना एक बार डालना ठीक है द स्टैंडर्ड पोटेंशियल ऑफ द सेल इन विच द फॉलोइंग रिएक्शन एक्वास जल्दी जल्दी सातवा वेरी गुड जीरो पॉइंट थ्री फोर वेरी गुड आंसर ठीक है नेक्स्ट एट्थ वाला क्वेश्चन चलो एट्थ नाइन्थ और टेंथ होमवर्क कर लेना ठीक है लेनाथ होमवर्क कर लेना लेनाथ right? पे आ जाओ डायरेक्ट इसको खत्म करते डायरेक्ट इलेवन पे आ जाओ चलो इलेवंथ पे करो इलेवन पे 11, 11. बहुत सेल कॉन्सटेंट ऑफ ए कंडक्टिविटी सेल इज गिवन बाय सेल कॉन्स्टेंट का क्या इक्वेशन है ये पूछा है जल्दी जल्दी आंसर करो इसका फार्थ. बहुत ईजी क्वेश्चन है ठीक है बहुत ईजी क्वेश्चन है जल्दी आंसर करना इसका आंसर सबको ऑलमोस्ट सबको राइट करना है ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी बताओ चलो एक बच्चा पूछ रहा है हाउ टू स्कोर 80 इन फोर डेज मास्टर एक बात बताऊं मेरी बात ध्यान से सुनना, बुरा लगेगा तुमको फिर भी मैं बोलूंगा अगर मैं तुमको बोर्ड का क्वेश्चन पेपर भी निकाल के दे दूंगा ना जो तुम बोल रहे हो 18 फोर डेज तो भी तुम नहीं कर पाओगे गारंटी है बोर्ड का क्वेश्चन पेपर दे दूंगा तो भी नहीं कर पाओगे अस्सी में से अस्सी नहीं ला पाओगे फिर भी तुम मिस्टेक्स कर दोगे तो तुम क्या करो पास होने के लिए सोचो समझ में और पास कैसे हो गए बताओ वन शॉट देख के नोट्स से पढ़ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सैंपल पेपर सॉल्व करके और ये तीन तीन चार चीज तो करोगे नहीं तो एटी तो नहीं आएगी ठीक है और ये तीन चार चीज नहीं करोगे तो पास तो हो जाओगे क्योंकि तुम्हारे कॉलेज वाले ने तुमको धक्के मार के आगे जो निकाला है तो उसको तो उसके वजह से तुम पास हो जाओगे एक पांच छह एम की इधर उधर तो से मुंडी उंडी मार के क्लिक करके निकल लोगे बट सबसे इंपॉर्टेंट ग्रुप क्राइटेरिया नहीं क्लियर कर पाओगे और जब ग्रुप क्राइटेरिया नहीं क्लियर कर पाओगे तो एम एच का एग्जाम नहीं दे पाओगे और जब एमएससी सी का नहीं दोगे तो तुम इंजीनियरिंग फार्मेसी ये सब नहीं कर पाओगे नीट वीट तो छोड़ी दो तो वो तो मतलब तीन चार जन्म के बाद होने वाला है वो समझे तो जो एटी परसेंट वाली स्ट्रेटेजी है चार दिन के अंदर ये तो मत पूछो समझ में आया समझा नहीं समझा वापस से वीडियो को इवेंट करना और सोचना कि हम साल भर हमारा टीचर हमको कितना डेडिकेशन के साथ पढ़ा रहा था और हमने पढ़ा नहीं हमने नहीं पढ़ा हमें माँ बाप ने एक ही काम दिया था वो है पढ़ने का हमने वो भी नहीं किया जो कर रहे हैं उनके लिए बेस्ट है भाई ये जो वो है जिनको पता है तीन दिन बाद एग्जाम है चार दिन बाद एग्जाम है फिर भी नहीं पढ़ रहे ये उनके लिए था मेरा डायलॉग आई होप सटीक जगह पे मेरा डायलॉग बैठा होगा क्योंकि ऐसे पता नहीं चलता ना मैं किसको डायलॉग मार रहा हूं किसको बोल रहा हूँ समझे नहीं समझे जैसे ऑफलाइन में कोई एक बच्चा रहता है मस्ती ज्यादा करता रहता है मैं उसको बताता रहता तुम पढ़ ले भाई पढ़ ले तेरा ही खाटा है गाना भी गाता हूँ उसको गाना भी गा के सुनाता हूँ इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता थोड़ा मुझे तकलीफ हो जाता और मैं सही नहीं पाता इसीलिए मैं तुझे बोल रहा हूँ समझ में आया फिर हो गया बाकी कुछ नहीं भाई जीवन बड़ा छोटा है तेरे दोस्त यार कोई काम नहीं आने वाला है तुझे कोई नहीं आएगा काम इवन तेरे घर वाले भी तुझे काम नहीं आएंगे ठीक है इस बात को समझ ले अभी जितना बता रहा हूँ कि एक ही इंसान तेरी हेल्प कर सकता है वो है मैं और दूसरा इंसान वो है जो तू खुद है तो मैं जितना बता रहा हूं उतना करते हुए चल आराम से निकल जाएगा पेपर नहीं तो तेरी मर्जी ठीक है और जीवन में संघर्ष बढ़ेगा फिर समझे इससे अच्छा संघर्ष को अभी संघर्ष को बोलते ना अभी मेहनत कर लो साल भर जीवन भर मेहनत नहीं अभी मेहनत नहीं करोगे तो जीवन भर मेहनत करना पड़ेगा दोनों तो में फर्क है इस बात को समझो ठीक है चलो राइट चलो ठीक है चलिए आगे चलते हैं ठीक है ठीक है हर्ष बोल रहा है हम पागल है क्या हम आठ महीने से पढ़ रहे हैं। चलो आगे चलते ठीक है डाला क्या ये डाला डी मार्क करना हाँ हो गया हो गया चलो बता दिया हमको ठीक है चलो अब चैप्टर नंबर सिक्स इसके बाद में आपको ब्रेक दूंगा ठीक है चलो फटाफट से बताओ इसको ठीक है आंसर करो कर इसका हो फेक आईडी अलग पांडे जी से बैठी आप, आपका मैंने कमेंट पहले वाला भी देखा अभी वाला भी कमेंट देखा दोनों में मेरे को फर्क दिख गया कि आप किस टाइप के मेंटेलिटी के इंसान हो ठीक है चलो यहां पर देखो द एलिमेंट्री रिएक्शन वाओ इजी है यहां पर दो मॉलिक्यूल दिख रहे तो बाय मॉलिक्यूलर होगा राइट यूनि यूनि तो ए और डी तो ऐसी कैंसिल हो गया देखो मैं कैसे आराम से सॉल्व करता हूँ देखो यहां पर दो दिख रहे तो बाय हो गया तो यूनि यूनि तो ऐसी कैंसिल हो गया बी और डी बचा है ठीक है अभी फर्स्ट ऑर्डर मारना है कि सेकंड ऑर्डर मारना है इस पर कुछ नहीं एक इस पर कुछ नहीं एक सेकंड ऑर्डर सी इज द करेक्ट आंसर है? दो मॉलिक्यूल तो सीधी सी बात है बायोलिक्यूल और हो गया ना मेरे भाई तो डी और ए तो कट गया अब यहाँ पर कुछ नहीं मतलब एक यहाँ पर कुछ नहीं मतलब, एक, एक और एक कितना हो गया दो तो सेकंड ऑर्डर इज द करेक्ट आंसर सीधी सी बात है झमाझम कर ले रहा हूं मैं सॉल्व और तो इतना ज्यादा इतना ज्यादा कंफ्यूज होकर रॉन्ग मार्क कर रहा है ठीक है ये डालना एक बार सेकंड वाला सेकंड वाला डालना अब इसमें देखो देखो क्या पूछा है देखो, दो पांच -दो सेकंड में सॉल्व तो कर सकता हूँ देखो द रिएक्शन देखो ये रिएक्शन दिया हुआ है हाँ, हाँ 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 ये भी रिएक्शन है ठीक है इसमें क्या पूछ रहा है एक्वायर्स इन टू स्टेप ठीक है तो ये पहला स्टेप है ठीक है ये दूसरा स्टेप है तो इसमें पूछ कर रहा है रिएक्शन इंटरमीडिएट कौन है ठीक है रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या ऐसी चीज जो रिएक्शन के बीच में ही आए और बीच में ही खत्म हो जाए ठीक है तो देखो कौन सी चीज है ऐसी कौन सी चीज है जो बीच में आ रही है बीच में खत्म हो रही है बताओ कौन सी चीज है एक ये है ये राइट तो इसी को अपन रिएक्शन इंटरमीडियट बोलेंगे सीएल टू माइनस ठीक है ऑप्शन में क्या दिख रहा है सीएल ओ टू माइनस दिख रहा है हाँ हो गया सिंपल है भाई मेरे सिंपल है खतरनाक वाला सिंपल सिंपल क्वेश्चन है केमिकल कैनेटिक्स का ठीक है आगे चलना नेक्स्ट लेना सेवन डालना ठीक है सेवन तो चलो करवा चुका रहूंगा मैं ठीक है एट डालना एट ठीक है ये भी इजी है ठीक है ये भी इजी है, एट रिएक्शन इज इतना द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द कंपटिशन ऑफ फिफ्टी परसेंट ऑफ द रिएक्शन इज इतना ठीक है फोर्थ का आंसर जल्दी जल्दी मार्क करो बहुत कम बच्चों को आएगा ये ठीक है जल्दी जल्दी आंसर मार्क करो इसका चलो फोर्थ वन आंसर फास्ट ठीक है फोर्थ वन सिंपल बहुत ज्यादा सिंपल है सिक्स पॉइंट नाइन थ्री मिली सेकेंड आएगा इसका आंसर सिक्स पॉइंट नाइन थ्री सी इज द करेक्ट आंसर कैसे निकालना है मेरी बात को सुन लो बहुत इन बहुत सिंपल था क्या पूछ रहा है देख लो पहले टी हाफ पूछ रहा है क्या पूछ रहा है देखो इधर देखो मेरे भाई साहब फिफ्टी परसेंट बोला रिएक्शन कंप्लीट होने में कितना लगेगा परसेंट मतलब क्या होता है टी का वन बाय टू अरे टी हाफ आधा फिफ्टी परसेंट पे पूछ रहा है तो कैसे निकालेंगे फिफ्टी परसेंट फिफ्टी परसेंट मतलब आधा ना इसके लिए तो टी वन बाई टू लिया राइट जीरो पॉइंट सिक्स नाइन थ्री अपॉन के कितना दिया हुआ है रेड कॉन्स्टेंट देखो क्या बोल रहा है के इतना हंड्रेड तो फट से तो यही आपका बहुत क्वेश्चन था खाली टेक्निकलेंट मतलब टी हाफ समझ में आ गया रहेगा राइट नेक्स्ट क्वेश्चन पे लेना इनको फटाक से ठीक right. है फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ क्वेश्चन इधर देखो फिफ्थ क्वेश्चन क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है सटीक है राइट right, जल्दी जल्दी माफ करो जल्दी जल्दी फिफ्थ क्वेश्चन मार्क करो बच्चों फास्ट फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ ठीक है देखो क्वेश्चन क्या लिखा है? द रेट लॉ फॉर द रिएक्शन ये विथ इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बोथ सी टू नो इसका आंसर मार्क करो जल्दी फास्ट फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ वेरी गुड क्या मार्क कर रहे हैं वेरी गुड सुनो जो अपना रेट कांस्टेंट होता है ध्यान से सुन लेना ये मेरे टीचर ने मेरे को बताया था आज भी मेरे को याद है रेट कांस्टेंट टेम्परेचर से इफेक्ट होता है कंसंट्रेशन से नहीं अब देखो मेरे को ही देख लो मैं तुमको बताऊं नहीं मानोगे ना मेरी बात मेरा दर्द नहीं समझ सकते तुम जिसपे बीतती है वो समझ सकता है छोटा सा दर्द बताता हूँ चलो यहाँ पर लेक्चर तुम्हारा है चार बजे तो मेरे को यहाँ तक तीन साढ़े तीन तक पहुंचना पड़ता है ठीक है आधा घंटा पहले तो पहुंचना ही पड़ता है सब सेटअप वेटअप -वेट -वेट भी करना है ना राइट कैमरा सेट करना है डिजिटल बोर्ड सेट करना है कंटेंट देखना है थोड़ा क्या पढ़ाना है बच्चों को ये सब तो अब जब धूप रहती है साढ़े बजे वाली अब तुम मुंबई के रहोगे तो तुमको पता है कड़क वाली धूप है भाई बाहर बोलगा की नहीं तो मेरे टेम्परेचर से बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है मेरे को क्यों मेरे को धूप से ज्यादा एलर्जी है मेरे को धूप नहीं पसंद है बचपन से धूप नहीं पसंद है उसकी चलो एक छोटी सी स्टोरी सुना देता हूँ तुमको मैं जब छोटा था एकदम यानी कि जब मैंने मेरा टेंथ क्लास का बोर्ड एग्जाम दिया था तो जब मैं क्लास का बोर्ड एग्जाम दे चुका था तो उसके बाद मुझे तीन महीने की छुट्टी मिल चुकी थी ठीक है दो से तीन महीने की छुट्टी मिली थी थ्री मंथ्स की मुझे छुट्टी मिल गई थी तीन महीने की छुट्टी मिल गई फिर ये तीन महीने की छुट्टी में मैंने बोला कि चलो क्या किया जाए सोचा थोड़ा सा क्या किया जाए एक दोस्त से पूछा क्या किया जाए तो दोस्त ने बोला क्या करना चाहिए मैंने बोला देख भाई आप अगले साल जा रहे हैं कॉलेज में ठीक है तो कुछ तो यार कॉलेज में जा रहे हैं तो कुछ तो पैसा ऐसा रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए रहना चाहिए पैसा ऐसा तो मैंने बोला एक काम करते चल काम करते तो मेरा दोस्त बोला हाँ चल ठीक है हम लोग काम ढूंढने गए थे हम लोग छोटे से थे एकदम दसवीं में पता ना कैसे छोटे से होते पच्चीसवीं बॉडी होती है राइट और मैं और मेरा दोस्त काम ढूंढने के लिए गए हम लोग लो हर जगह काम के लिए जा पूछते थे मार्केट में गए इधर उधर गए गैरेज की दुकान पे पूछा हर जगह पूछ लिया काम 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 है है क्या क्या कुछ कुछ है गैरेज में सबसे पहले गए थे गैरेज में हम लोग को भगा दिया बोला तुम लोग से कुछ हो ही नहीं पाएगा पतले दुबले से थे तो उसके बाद हम लोग मार्केट में चले गए जब मार्केट में गए तो हम लोग लो लो को कपड़े की दुकान दिखी तो कपड़ों की दुकान में हम लोग को काम मिल गया पहला काम जिसने दिया उसने बोला की जो जो औरतें साड़ी पहनती है ना साड़ी चपोतना था चपोतना मतलब समझ में आ रहेगा साड़ी को फोल्ड करना ठीक है दिखाने वाला साड़ी एक दूसरा इंसान होगा वो दिखाएगा लेडीज को देखो ना ऐसे साड़ी देख खरीदने गए लोग कभी लड़कियां तो उनको पता रहेगा ठीक है थीके? तो ऐसा साड़ी कैसे खोल के दिखाएगा पसंद नहीं आई तो उसका ऐसा साइड में रख देता है तो जब साइड में रख देगा ना तो फोल्ड करने वाला काम हमारा था तो हमने एक दिन पूरा वो काम किया सुबह से लेकर के शाम तक लग के किया हमसे हुआ नहीं हुआ हम छोटे थे ना यार इतनी बड़ी बड़ी साड़ियाँ कैसे चपोतते कैसे फोल्ड करते हमसे नहीं हुआ अगले दिन फिर हम बोले कि चलो आज फिर काम करने चलेंगे फिर हम कारण करने के लिए दूसरी दुकान पे पूछे ठीक है साड़ी वाला जमा नहीं हमें कैसे फोल्ड करना है समझा ही नहीं उसके तो बाद एक दुकान मिल गई मुझे और मेरे दोस्त को ठीक है मुझे एक दुकान मिली मेरा दोस्त भी सामने था ठीक है मेरे दोस्त को भी एक सामने वाली दुकान में काम मिल गया हमारे यहाँ पे फेमस है गजानन मार्केट उल्लासनगर में वहाँ पे काम मिल गया तो वहाँ पर हमें यह काम मिला कि कपड़े कपड़ा रहता है ना कपड़ा जो देखो ये शर्ट बनते हैं इसके शर्ट का एक पीस आता है कपड़े का तो वो काटने का मिला काम ठीक है मेजर करने का एक लकड़ी आती है उससे मेजर करके उसका सा काटने का ये काम मिल गया मेरे को ये वाला काम मिल गया और मेरे दोस्त को एक थोड़ा सा इनका छोटा मोटा उसको भी एक वो बच्चों के कपड़े रहते बिल्ड करने का काम मिल गया ठीक है तो अब हुआ क्या मैं मेरे को एक शॉप पे काम मिला है तो उस शॉप की खासियत ये थी कि उस शॉप के अंदर ना अच्छा खासा फैन था ठीक है एक फैन वैन था अच्छा खासा फैन था उस शॉप के अंदर और कम से कम आठ से नौ घंटा वहां पे काम करना पड़ता था टोटल दस घंटा हमारा चले जाता था उसके अंदर ठीक है तो सुबह निकलता था भाई दस बजे रात में आता था ग्यारह साढ़े ग्यारह बजे तो ये काम करता था तो ये काम करने पे मुझे पच्चीस सौ रुपए मिलते थे टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड महीने की पगार ठीक है उसमें संडे वनडे छुट्टी नहीं थी एक भी दिन छुट्टी नहीं थी क्यों छुट्टी नहीं थी मंगलवार को हाफ डे रहता था छुट्टी नहीं हाफ डे रहता था बस ठीक है छुट्टी इसके लिए संडे को कैसे छुट्टी देंगे संडे को तो मार्केट में लोग आते हैं कपड़ा खरीदने के लिए ठीक है तो उस टाइम पे तो छुट्टी नहीं मिलेगी फिर इसी के सामने पर मैंने एक महीना काम हम किया अच्छे से एकदम एकदम दिमाग से से फुल ठीक है सीख गया काम हम, कैसे बातचीत करते हैं लोगों कस्टमर को कैसे हैंडल करते सब सीख गया दसवीं का बच्चा मस्त काम कर रहा था फिर दूसरी दुकान थी दुकान नहीं कह सकते कैसे कह सकते रोड के किनारे ऐसी छोटी सी थी तो अब यहां पर मुझे मिल रहे थे तीन हजार रुपए तीन हजार रुपए मिल रहे थे मेरे को तो डिफरेंस कितने का आ रहा है पांच सौ रुपए का डिफरेंस, आ 500 का डिफरेंस आ जा तो हुआ क्या मैंने बोला एक काम करते के मिल रहा था ना भाई ठीक है ऐसा सोचा बचपन में पांच सौ रुपए बड़ी बात है बचपन में यार बड़ा, 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 पैसे बड़े लगते है ठीक है तो पांच सौ रुपए ज्यादा लग रहे थे इधर आ गया जब मैं यहाँ आया काम करने के लिए तो यहाँ की स्टोरी बताता हूँ यहाँ की स्टोरी यहाँ की स्टोरी से बहुत डिफरेंट थी अब जब मैं यहाँ आ गया हूँ तीन हजार वाले काम के लिए तो इसमें मुझे खड़ा रहना पड़ता था खड़ा क्यों रहना पड़ता था क्योंकि ये दुकान रस्ते पे थी ये दुकान अच्छी थी इसमें ऐसा ऐसा था अंदर बैठने बैठने का भी ठीक है बैठ सकता है नीचे कोई इंसान बैठ सकता है एक स्टूल भी रख सकता है ऊपर पंखा था इसमें क्या था इसमें पंखा भी नहीं था और बैठने का भी कुछ नहीं था तो दुकान के सामने खड़ा रहना पड़ता था और गर्मियों का मौसम चल रहा था और बहुत कड़क वाली धूप लगती थी बेटा और धूप चेहरे पे बहुत पड़ती थी बहुत मतलब ऐसा अंदर से ऐसा जान जलता था ना कि पूछो मत कि क्या कर रहे हैं जीवन में फिर भी संघर्ष कर रहे थे हम और उस समय संघर्ष ऐसा चल रहा था कि पूरा का पूरा दोपहर निकल जाता था शाम का इंतजार होता था सुबह से दस बजे जाता था बारह बजे ऐसे ही बचता था बारह दिमाग ऐसा मतलब सर पे धूप चढ़ना चालू हो जाता था और खड़े रह करके एक एक कस्टमर को बुलाना पड़ता था कि ये चाहिए क्या ये चाहिए क्या ये चाहिए ऐसा मुंह से बोल के बुलाना पड़ता था ऐसा नहीं था कि बैठ गए आराम से ए का दुकान है ऐसा कुछ नहीं था तो पांच सौ रुपए की वैल्यू बेटा मैं बहुत जानता हूँ ठीक है so, सो यही मेरी एक छोटी सी स्टोरी थी क्लास टेन्थ की और वहां पर जब मैं काम करके आता था तो दोस्तों को देखता था दोस्त क्रिकेट खेलते थे छुट्टियों में मस्त कुछ ना कुछ रोज गेम वेम खेलते थे रात में मैं आता था ग्यारह साढ़े ग्यारह बहुत बहुत कम बच्चे ऐसे गुड्डी बैट उड्डी बैट खेलते हुए दिख जाते थे दोस्तों ऐसा देखते थे वो लोग कि क्या है ये और साइकिल से जाता था साइकिल से आता था बहुत मेहनत बहुत मेहनत चलिए आगे चलते हैं आपको ले करके ठीक है छोटी सी स्टोरी मैंने आपको बता दी और कुछ नहीं ठीक है आई होप थोड़े से मोटिवेटेड हुए रहोगे आप ठीक है और जब पैसे मिले तो उन पैसों का यूज़ क्या किया वो भी बताता हूँ उन पैसों से फिर मैंने मेरे कॉलेज की फीस भरी ग्यारहवीं की उन पैसों का सही यूज़ किया चलो आगे चलते हैं ठीक है सॉरी अगर आपका टाइम वेस्ट हो गया होगा ठीक है बट नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह चलते हैं ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डालिए कौन सा कर रहे हैं हम लोग ये ना ठीक है चल पापा चला कर लिया रहेगा तुमने छट्टा डालो ठीक है छट्टा डाल देना एक बार सिक्स वाला डाल देना कंप्यूटर जी सिक्स वाला डाल दीजिए जल्दी सिक्स वाला डालना हाँ यार पानी पी लेता हूँ क्या सिक्स वाला डाला क्या आंसर दे, दे लो थैंक यू बच्चों थैंक यू ठीक है क्या डाला इन्होंने ठीक है सिक्स तो वाला ठीक है चलो चलो आगे चलो क्या डाला ने क्या आंसर दिया बच्चों ने सिक्स का कॉल करिए जल्दी फास्ट हाँ ये दे रहे सेवेंटी एट परसेंट वेरी गुड राइट आंसर ठीक है चलो सेवन डालो सेवन डालो फास्ट डालो थोड़ा सा द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बताना है ठीक है यूनिट को पहचान लो यूनिट देखो सेकंड इनवर्स किसका होता है उस हिसाब से बता दो फटाक से सेकंड इन्वर्स। चलो हिंट दे दी आपको मैंने ठीक है आंसर बताओ केमिस्ट्री में सत्तर मार्क्स लाने के लिए महारिविजन अटेंड कर लेना ठीक है ऑलराइट चलो बताओ क्या आंसर वट आंसर सेवेंथ वन सेकेंड इन वर्स फर्स्ट ऑर्डर रियाक्शन दैट्स एड्थ एट्थ डालना फटाफट से डालना थोड़ा सा हाँ एट वेरी गुड क्रांति ठीक है चलो मनाली रोहित 50 परसेंट चाहिए एमएचसी सीटी के लिए चलो 50 टू 60 रहते पकड़ के चलो ठीक है ठीक है चलो फटाफट से क्या लिख क्या मार्क कर रहे हो क्या आंसर ए 41 वेरी गुड राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट रिएक्शन स्लोप से था क्वेश्चन ये वाला बहुत इजी है हाँ क्या देख लो ये वाला रिएक्टेंट है ये भी रिएक्टेंट है दोनों माइनस है ये प्रोडक्ट है टू बी और ये सी और ये थ्री ए तो ये आंसर आए थे सी इज द करेक्ट आंसर ठीक है answer, ये डालना पटा से टेंथ टेन्थ डालो टेंथ और 11 दो लास्ट

का बेटा बी आएगा बी। क्या आएगा ध्यान से देख ले क्या क्या हो रहा है rate of a, देख, ये दिया हुआ है के ए तो को, को डबल करना पड़ेगा बी को कॉन्स्टेंट करना, करना पड़ेगा तब जा करके को को करना पड़ेगा, B को constant करना पड़ेगा तब जाकर रेट ऑफ रिएक्शन डबल होगा ठीक है क्या वाला लेना ना करते। चलो जल्दी बताओ इलेवन ट्वेंट लाइफ हाफ लाइफ है इधर on, पे मेरे को पता नाइन परसेंट बच्चे इसका क्या मार्क करेंगे देखो हाफ लाइफ ऑर्डर जीरो ऑर्डर के लिए पूछा तुम लोग ये मार्क कर दोगे तो फटाक से मेरे को पता है तुम लोग यही मार्क करोगे ठीक है पर जीरो ऑर्डर के लिए पूछा है वो देखो फटाक से क्या आएगा ठीक है बी देखा मेरे को मालूम था ना मैं क्या बोला मैं बोला ना तुमको तुम जीरो ऑर्डर देख ही नहीं रहे हो जीरो ऑर्डर देखोगे तो ए जीरो बाय टू के आएगा ठीक है राइट सो आज के लेक्चर को यही हम समरप करते हैं ठीक है हमने पूरा का पूरा फिजिकल केमिस्ट्री कर लिया सो so, इसी तरीके से हम कल आपकी डिमांड होगी तो हम इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक भी ट्राई करेंगे राइट So, आज आपका फिजिक्स का भी लेक्चर है हमारे चैनल पे सात बजे का उसके बाद आपका मैथ्स का भी लेक्चर है नौ बजे का नौ साढ़े नौ बजे का तो आप खाइएगा जरूर ठीक है आपको सेशन कैसा लगा एक बार आप चैट सेक्शन में फटाफट से कमेंट करके एक बार बता दीजिए ठीक है कोई कौन है भाई ये कोडिंग वोडिंग कोई कर रहा है क्या रहेगा ठीक है चलिए चलिए जल्दी जल्दी बताइए आपको सेशन आज का कैसा लगा जल्दी जल्दी बताइए कैसा लगा यार आपको कुछ पूछना है तो आप पूछ सकते हो अभी ठीक है ठीक है जल्दी जल्दी बताइए एंड पोल में कर देता हूँ यहां से ठीक है जल्दी जल्दी बताओ कैसा लगा आपको आज का सेशन आई होप आपको मजा आया राइट क्रॉप साइंस के लिए कुछ नहीं कर सकता यार क्रॉप साइंस का मेरे को भी नहीं आइडिया ठीक है चलो सर आपका महारिविजन देखने के बाद 65 मार्क्स आ जाएगा क्या पेपर में अगर मैं अभी तक सिर्फ आठ चैप्टर अच्छे से प्रिपेयर हुए हैं हाँ देख लेना आ जाएंगे अच्छे खासे मार्क्स आ जाएंगे ठीक है अच्छा खासा मतलब तो एकदम खतरनाक स्कोर करके आएगा तू टेंशन मत ले ठीक है बस तू इतना काम का सैंपल पेपर और पीवा उसका जो मैंने एक वीडियो दिया ना उसको देख, अच्छे से देख ले ठीक है चलो नेक्स्ट और कुछ लालम लाल कर दो इसको पूरा लाल कर दो एकदम ठीक है पूरा लाल कर दो कैसा लगा आपको बढ़िया मजा आया ठीक है राइट right, वाह कौन है भाई इतना खुश हो रहा है हार्दिक जी बड़ा खुश हो रहे हैं अच्छा कितने क्वेश्चन बने तुम्हारे आप ठीक है चलो भाई जल्दी जल्दी बता दो तो, कितने अच्छा गया तुम लोग का मतलब ठीक ठाक तो गया रहेगा ना पहला सेशन था ना एमसीक्यू का तो ठीक ठाक गया रहेगा अब कल इनऑर्गेनिक पढ़ के आना कल इनऑर्गेनिक लेंगे खाली ठीक है बढ़िया मजा आया मजा आया ठीक है चलिए मजा आ गया ना कॉन्फिडेंस तो थोड़ा तो आया रहेगा राइट कॉन्फिडेंस थोड़ा तो आया रहेगा सर मैंने हॉल्टल लोमिनेट कर दिया है अब क्या करूं अंजलि जी मेरे कॉलेज में भी एक लड़की है जिसने लैमिनेट ला, कर दिया मैंने उसको यही बोला तू तो एक लेटर लिख कॉलेज वालों को दे जा करके और नया हॉल टिकट बनवा ठीक है ना समझा करवा ले नहीं तो फिर उधर पे दिन क्या वो साइन नहीं करेंगे उन लोग समझा साइन कहाँ करेंगे हॉल टिकट पे साइन करना रहता है एग्जामिनर को ठीक है जो आता है समझा और कुछ ठीक है अभी मैं यहाँ से बोल दू कि नहीं हो जाएगा चलेगा सर सैंपल पेपर वापिस कब वनम के अच्छा ठीक है देखते तीन करवाया ना और कितना करोगे चलो कल एक और ट्राई करते बस देखते क्या होता है अभिषेक सर हो साथ तो डरने की क्या बात ओके थैंक यू विजय चलिए रखे फिर बंद करें इसको सेशन को यही एंड करें ठीक है सिद्धि भावसार भावसार गुजराती मानू के मजा माँ क्या पूछिए भावसार जी देखे तो भावसार जी का चले क्या लगता है ऊपर झमाझम ठीक है सिद्धि भावसार आप हमारे जिंदगी में आए हमारे जिंदगी में सुधार लाए ओके थैंक यू चलिए आगे की तरफ चलते हैं हम लोग अरे right, ऐसा नहीं है यार तुम भी तो मेहनत करते हो तुम लोग भी सर आपने सुपर चैट मिस कर दिया आपने सुपर चैट मिस कर दिया आयुष आपने किया था क्या थैंक यू सो मच ठीक है चलिए आगे चलें, और क्या पूछ रहे हो उत्तम बेस्ट कर रहे या क्या नवनीत ऐश्वर्या जी नवनीत उत्तम नहीं ठीक है चलो और कुछ डेरिवेशन लाओ मंदार डेरिवेशन पाइए थाम 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 मार रिविजन के दिन ही कराएंगे ठीक है एक ही दिन सब ले लेंगे राइट रिलेशनशिप बिटवीन पर वन वीडियो प्लीज रिलेशनशिप वही महा रिविजन के टाइम पे इसको लेंगे ठीक है मेरा ऑर्गेनिक पूरा हुआ है तो बारह छोड़ रहा हूँ तो हाँ चलेगा बारह वाला छोड़ दे पर उसमें एक दो रिएक्शन करके जाके नहीं जा रू ये सब उल्फ किस नरी आ सकता है ठीक है चलो रखे फिर ठीक है सर मैंने पहले तीन डेज से आपको क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि पेपर के पहले सैंपल पेपर करूँ टू रिवाइज करूँ प्लीज रिप्लाय पेपर के पहले आपको रिवीजन करना है ठीक है चलिए सॉरी बेटा अगर मैसेज नहीं देख पा रहा तो ठीक है वाओ मैं राइटन में 30 मार्क्स लाने के लिए क्या करना होगा एम सी स्टैंड गाना गाना मैं हस्ती का बस्ती में हाँ बॉम्बे में बचा बच्ची को यही गा के ना मिल जाएगा ठीक है ये सब यार ये सब चीजें छोड़ पढ़ाई पे ध्यान दे ठीक है और कुछ चलो बाय बाय ठीक है सर तुम्हें असल सर हमारा काहे टेंशन नहीं आए राहुल जी क्रिएशन थैंक यू सो मच ठीक है चलो बाय बाय टेक केयर लव यू ऑल राधे राधे जय महाराष्ट्र सेशन में सबके सब लिख के जाना कमेंट में कैसा था ठीक है चलिए बाय बाय लव यू ऑल